चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लंबाई द्रव्यमान धारिता समय पर आधारित प्रश्न के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज के 7 नंबर प्रश्न तक हमने बता रखा है। देखिए, नीचे रूम के थोड़ा सा काम चल रहा है तो थोड़ा ढक ढक फट फट आएगा आवाज, ठीक है। तो इसके लिए पहले ये माफ़ी मांग लेते हैं, थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा आवाज़ इसका नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए, काम नहीं रुकना चाहिए, है कि नहीं। समय बीतता ना तेज़ी में, टक टक के चक्कर में काम रोक दे तो फिर ही समय बा कहाँ से वापस आएगा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए रे बहादुर, स्टार्ट करते हम लोग आज का सेवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कैसे 8 से, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है, रमेश 2 घंटे में 7.92 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, ठीक है। अब 2 घंटा में जाता है 7.9 किलोमीटर, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, ठीक बात। देखिए, चूँकि रमेश जी जो है प्रश्न में दिया पहले कि 7.9 निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसको दाहिना तरफ रखते हैं, जो दिया रहता है उसको बायां तरफ रखते हैं। आपको पता है 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, दूरी निकालना है तो दूरी को दाहिना तरफ रख देंगे, इसलिए समय को पहले लिखेंगे, ठीक है। रमेश आपको किताब दे ले है कि रमेश 2 घंटा में, ठीक है, समझ जाइएगा कितना किलोमीटर जाता है, 7.92 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी तय करता है, भाषा यह लिखे, इतना घंटा में इतना दूरी तय करता है, इसे लिखने का समय नहीं ना रहता उतने, बात समझ जाना है कि इतना तय करता है, मेन है निश्चित डाटा लिखना। चलिए, इसीलिए रमेश, अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, तो हमको पूछा कि 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, समय को कह रहा है सेकेंड में, दूरी बताने के लिए कह रहा है मीटर में, तो सबसे पहले दिया हुआ डटवा को ना इस समय को सेकेंड में बनाइए, तो 2 घंटा में कितना सेकेंड होगा, क्योंकि 1 घंटा में आप जानते हैं 3600 सेकेंड होता है, तो 2 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 2×3600, तो इस सेकेंड में बदल जाएगा, इतना घंटा में। अब मीटर में ना जवाब देना है, तो इतना किलोमीटर का बदला हम मीटर में कितना लिख सकते हैं, तो 7.92 किलोमीटर से मीटर 3 ऊपर। चलिए, अभी तक इतना पढ़ाएं तब आपको पता चल गया होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो, 3 है ना, तो किलो से 3 ऊपर है मीटर, जिसमें बदलना है 3 ऊपर है, तो यहला गुना कराएंगे, किलो को मीटर के बराबर कराना है तो 1000 से गुना करा देंगे, अभी मीटर में बदल गया, इतना दूरी तय करता है, ठीक है। चलिए, इसलिए रमेश अब वो कहा था 1 सेकेंड में ना कि 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, अब निकाल लीजिए, इसीलिए रमेश 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, चलिए इतना में इतना जाता है तो 1 में कितना जाएगा दूरी, ज़्यादा समय दीजिएगा तो ज़्यादा दूर तक चल के जाएगा, और तनका समय दीजिएगा तो तनके दूर ना जाएगा, कम का वो धरा एक खींच के बट्टा में लाएंगे। चलिए, इतना गुने 1000 और बट्टा में इवला लिख दीजिए 2×3600, ठीक है, इन मीटर, तो इतना मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक। चलिए देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य, चल बसा दशमलव रहेंगे तो 100 और नीचे आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य ये भी चल बसा। चलिए, अब देखिए 2 से कट रहा, 3×6, ठीक है, उसके बाद 9×18, 1×19 हुआ, और उसके बाद 2×6, 12, इतना बार में। अब 36 से कहिए 36, है कि नहीं, 11 बार में 396 से कट जाएगा, अब ऊपर कुछ नहीं है तो 11/10 बचा, है कि नहीं, 11/10 मीटर बचा, तो इसको दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, 11 तो लिखेंगे, 10 है तो 1 अंक बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, 1.1,
मीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग बनाते हैं। चलिए इस तरीका से 8 भी संपन्न हो गया। ये एक एक नियम से था, एक एक नियम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और कहिएगा लंबाई द्रव्यमान धरता में, तेरे बउआ ये घंटा को सेकेंड वकेंड में बदलना, किलोमीटर को मीटर उटर में बदलना, बदलने का जो नियम होता है ये सब लंबाई द्रव्यमान धरता का सब बात ना। लंबाई को और समय को, इस समय को इसमें चेंज किए और ये लंबाई को दिया होगा जे में पूछा उसमें चेंज कर लेते हैं। देखिए ये वाला मान के बराबरे बात ये वाला मान हुआ। हम इसलिए किए क्योंकि हमको सेकेंड में या मीटर में जवाब चाह रहा था कि एक सेकेंड में कितना मीटर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9, नौ नंबर प्रश्न। 1 किलोग्राम तेल की कीमत 60 रुपया हो तो 1 हेक्टोग्राम तेल का दाम कितना होगा। देखिए अभी किताब वाला देल है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम तेल की कीमत, तेल की कीमत हम भाषा नहीं लिखते थे, काट देते थे, कर मतलब हो जाता तेल की कीमत, लेकिन चलिए लिखते हैं क्योंकि आपको समझना है। 1 केजी तेल की कीमत 60 रुपया, ठीक बात, इतना रुपया है। अब हेक्टोग्राम तेल का दाम चाह रहा है और रुपया में ऑप्शन दे ले, मतलब इन्ने वाला रुपया को छेड़छाड़ तो करना नहीं है। अब हेक्टो में जवाब चाह रहा है, दिया हुआ है केजी में दाम कि 1 केजी का दाम है इतना। अब हेक्टो में जवाब चाह रहा है कि एक हेक्टोग्राम तेल का कीमत, तो आपको मिली सेंटी याद होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीडिया है कि ना, क्विंटल टनी सब होता है, तो ई केजी ही है ना उची किलोग्राम, आ किलो से हेक्टो में आना है, तो किलो से हेक्टो कहाँ है, एक ऊपर है, किलो से हेक्टो एक ऊपर है, मतलब 1 में 10 से गुना कर देंगे तो ई 1 केजी बराबर 10 हेक्टो हो जाएगा। हेक्टोग्राम तेल का कीमत 60 रुपया न रहेगा, एकरे बराबर मान होता है हेक्टोग्राम में इतना। चलिए तो 1 × 10 बराबर 10 हो गया कि ना, तो 1 केजी में कितना हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम, इसीलिए हमसे 1 हेक्टोग्राम का ना पूछा था, तो 1 हेक्टोग्राम का कीमत 60/10 रुपया हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट के आ जाएगा 6 रुपया। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कहता है 1 किलोलीटर पेट्रोल की कीमत 850 रुपया है, तो 1 लीटर पेट्रोल के दाम पूछ रहा है। 1 किलोलीटर पेट्रोल का कीमत जो है, अब लिखते नहीं रहेंगे पेट्रोल से ट्रोल, कीमत जो है 850 रुपया है, किताब में लिख ले सुंदर से, तो फिर हम 25 बार क्यों लिखे। 1 किलोलीटर पेट्रोल का कीमत 850 रुपया है, आप पूछ रहा है लीटर में है कि ना। चलिए तो पहले 1 किलोलीटर बराबर कितना लीटर होता है, तो किलो से लीटर लीटर ही ना होता है, मीटरे के बगल में ना लीटर होता है चाहे ग्राम होता है, ये निश्चित करता है। लंबाई है तो मीटर में चलता है, द्रव्यमान है तो ग्राम में चलता है, धारिता है तो लीटर में चलता है, तो ये सब तो इतना ही ना होता है, तो किलो को लीटर में बदलना है, तो 1, 2, 3 ऊपर है, मतलब 1 × 1000 तो हो जाएगा 1000, तो 1 किलोलीटर में 1000 लीटर हो जाएगा, 1000 लीटर, तो 1 किलो के दाम इतना है, तो एकरे बराबर तो ये वैल्यू होल, तो इतनों के दाम तो 850 रुपया ना भी रहते, इतना रुपया है चूँकि, लेकिन हमको ठीक है। चलिए किताबें के डाटा के बाद लिखे, लेकिन हमको पूछ रहा कि 1 लीटर का दाम ना, तो इसलिए 1 लीटर का, तो इतना का दाम इतना, तो 1 का दाम आपको नहीं पता चल जाएगा, 850/1000 रुपया। चलिए तो ये 850 तो लिख देंगे,
आ 1000 से भाग देना है तो 3 सुनना है तो 1, 2, 3 अंक बाद यहाँ क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो 0.850 रुपया आंसर। ठीक है, चलिए कोई ऑप्शन में है 0.85 पहले ऑप्शन में है, तो इस तरीका से 10 का जो है आंसर कई नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अरे 0 का यहाँ वैल्यू ना होता है तो यह ला लिख दिले होगा 0.85 रुपया, तो कोई दिक्कत हो गया यह बात है। चलिए 10 तक हो गया, अब 11 नंबर देखेंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु के 1 घन सेंटीमीटर की तौल 78 ग्राम है, तो इसके 1 घन मीटर की तौल क्या होगी। देखिए घन सेंटीमीटर से पहले तो घन मीटर में बदलना होगा, ठीक है, तब ना बदलेंगे। तो आपका निश्चित राशि किताबा भी दे है, चूँकि 1 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, एक ना घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं। चलिए 1 घन सेंटीमीटर का तौल का मान जो है कितना के बराबर है, तौल ले जाता है तो 78 ग्राम के बराबर होता है, 78 ग्राम के बराबर होता है, ठीक 78 ग्राम है। इसीलिए पहले अब हमको पूछ रहा है जवाब घन मीटर में, चलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना घन मीटर होता है ये निकालते हैं। तो चूँकि 100 सेंटीमीटर होता है तब न जाके 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में आपसे पूछूं तो 1/100 मीटर हो जाएगा, तो 1 घन सेंटीमीटर में आपसे पूछूं मतलब दोनों तरफ क्यू लगा दूं, दोनों तरफ पावर क्यू लगा दूं तो कितना होगा। तो ये तो 1 × 1 × 1 3 दा होती तो 1 रहते, लेकिन ई वाला 3 दा मान गुना होते तो 1/1 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 हो जाते। अब ई तीनों घन में बदल गए, ठीक, तो 1 घन सेंटीमीटर में कितना घन मीटर आ गए, इतना घन मीटर आ गए, तो इतने के बराबर वो वाला वैल्यू अब यहाँ लिख ले, 1/1 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 अभी सेंटीमीटर एकरे बराबर ना ई वैल्यू हो। चलिए तो ए ला लिख लिए क्योंकि हमको जवाब इसी का मीटर में मीटर क्यू में चाह रहा था, तो अभी तो 78 ग्राम रहते क्योंकि एकरे बराबर ई वैल्यू होता है, तो इतना का इतना तो इतने के तो इतने अभी रहते। हमसे 1 का पूछा था, 1 घन मीटर का पूछा था तौल, तो अब बताइए ये क्या होगा। अब बताइए ये है 1 से भी कम मान है, 1/1/60 दिया तो 1 का भी कितना टुकड़ा में बांट दिया तो थोड़ा हो गया, तो थोड़ा सा के कीमत 78 ग्राम होते तो 1 तो बड़ा हो चाहिए यूनिट, बड़ा यूनिट के कीमत हमारा कीमत कर रहे हैं, वजन जानना है तो ज़्यादा ना होना चाहिए। तो सोचिए यदि डायरेक्ट ले जाके भिन्न वाला भी गुना करा देंगे तो 78 को तो उतना भाग में बांट देगा 1/600 से, तो 78 से कम जाएगा वजन, इसलिए पलट के गुना कराते। तो भाव को पकड़ना है कि हमको ज़्यादा लाना है आंसर की कम लाना है, ये पकड़ लीजिएगा तो भिन्न आपको सदमा नहीं। जब सिंपल डाटा था यह रहता 1/60 का वजन इतना है तो 1 का निकलते तो वो बट्टा में चलता, आई देखिए एकरा हालांकि आया तो ये भी बट्टे में, ध्यान से देखिएगा तो 78 के बट्टा में आया 1/1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 एकरा नीचे कुछ नहीं 78 के, तो 78 के नीचे होता है 1, तो दू गो भिन्न जब आपस में बट्टा के ऊपर नीचे लिखा है तो नीचे वाला भिन्न पलटता है कि नहीं। हाँ ये सब बात आप जानते हैं, ठीक बात, चलिए इसीलिए समझ गएंगे ये हो जाएगा 78 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 बट्टा में 1, ये वाला मान नहीं आकर पलटेगा, ठीक बात। चलिए तो कितना हो जाएगा 78 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 आ हमको आंसर ग्राम में आया। अब ऑप्शन देखते हैं कथी में है, ऑप्शन देखने गए तो ऑप्शन देखे कि तोरा के किलोग्राम में है, तो ग्राम में आंसर आ गया तो चकराना नहीं है, अब किलोग्राम में बदल लीजिए। आपको पता होगा मिली सेंटी डेसी आ ग्राम है तो ग्राम, डेका हेक्टो
किलो मिरिया क्विंटल टन, मिरिया क्विंटल टन, ये सब आपको पता है। आ ये सब एक 10 गुना बड़ा होते चला जाता है, ये सब जानकारी। तो ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, ऑप्शन किलोग्राम में देले है। तो ग्राम होता कहाँ है, हियाँ होता है। आ किलोग्राम होता कहाँ, नीचे होता है। जब 1, 2, 3 नीचे है तो दिया हुआ डाटा का बराबर वैल्यू निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना ग्राम बराबर कितना किलोग्राम। तो ग्राम से 3 नीचे न हो ची, तो एकर बराबर ग्राम, ग्राम का बराबर किलोग्राम में बताना है। तो 1/3 से भाग देंगे, क्योंकि ग्राम के बराबर कराना है किलोग्राम, तो नीचे की तरफ रहता है, तो हम बताए हुए हैं कि भाग देना है। तो ये 3 0 से 3 0 नानी घर घूमने चला जाएगा, तब बच जाएगा 78/3। अभी के जी में ना आंसर हो गए, ठीक है। आ पहला ये ग्राम को किलोग्राम में बदल ले रहते हियाँ, तो एक बट्टा में तो 1000 रहता, तो हियाँ काट कुट हो जाता, तो इतने पर आंसर आ जाता कि ना डायरेक्ट इतना। चलिए बाद में भी बदल सकते हैं, चलिए ठीक है। इस तरीका से आपका 78000 हो गया किलोग्राम। 12 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है 40 हेक्टोलीटर में कितना किलो लीटर होता है। 40 हेक्टोलीटर बराबर वाट किलोलीटर, किलोलीटर में बताना है। तो बताइए ये 40 हेक्टोलीटर के बराबर किलोलीटर में बताना है। तो 40 हेक्टोलीटर देखिए, 40 हेक्टोलीटर बराबर 40 तो लिखेंगे, आप देखेंगे हेक्टो को किलो में बदलना है। तो हेक्टो कहाँ है, हेक्टो हियाँ है। अब किलो करा से 1 नीचे है, तो नीचे रहता है तो भाग देंगे, 40 में कैसे भाग देंगे, 10 में। तो हेक्टोलीटर बदल जाएगा किलोलीटर में, किस में बदल जाएगा किलोलीटर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मतलब 4 किलोलीटर, ठीक है। 40 हेक्टोलीटर में 4 किलोलीटर हो जाएगा, ठीक। ये सब बदलना सिखाए हुए। एक बात और ये यादें रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो, मिरिया क्विंटल, ये याद रखिएगा ना। तो कुछों में बदले ला कहेगा बदल लीजिएगा, आ जब घन आ क्यूब में ले जाना रहेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं स्क्वायर में ले जाना रहेगा, तो पहले 1 में निकालिए, ओकरा बाद उसको क्यूब कीजिए दोनों तरफ, या स्क्वायर कहता है वर्ग कहता है, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, ठीक है। 1 में पता चल जाएगा, तो अनेक में आप पता नहीं कर लीजिएगा। हाँ मेरे बहादुर, देखिए तो 12 नंबर तो एकदम सिंपल था, इसमें तो घन उन करना था, डायरेक्टे कहा था 40 हेक्टोलीटर में कितना किलोलीटर, तो हेक्टो को किलो में बदलना है, तो 10 से भाग बराबर हो गए दोनों भाई। आगे बढ़ते हैं, अब 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है 7 किलोलीटर में कितना हेक्टोलीटर होता है। 7 किलो लीटर में कितना हेक्टो लीटर होता है। देखिए किलो लीटर को हेक्टो लीटर बदलना, 7 तो लिखेंगे, अब देखेंगे किलो कहाँ है, किलो हियाँ है, और हेक्टो में बदलना है, तो हेक्टो अमरी ऊपर हो गया, तो किलो से हेक्टो अमरी ऊपर हो गया, तो अमरी 10 से गुना करा देंगे, तो 7 किलो लीटर बराबर 7 × 10 हेक्टो लीटर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 70 हेक्टोलीटर। इस तरीका से आंसर हो गया, ठीक। तो किलो लीटर को हेक्टो में बदले तो देखे 10 से गुना किए, और तखनी हेक्टो को किलो में बदले थे तो उल्टा आया था, तो भाग दिए थे। सब बात आप समझते हैं, ठीक। चलिए 14 नंबर प्रश्न, 20 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है। 20 लीटर को बदलना है डेसीलीटर में, किसमें बदलना है, डेसीलीटर में बदलना है। तो लीटर होता कहाँ है, जहाँ ग्राम होता है हुए ना लीटर लिखाता है, हुए ना मीटर लिखाता है, तो लीटर तो ये घर तन हो गया है, तो लीटर वाला को डेसी में बदलना है, डेसी जस्ट ऊपर है, 1 ऊपर है, तो इसलिए 20 लीटर में 20 × 10, क्योंकि 1 ऊपर है ना, तो 1 ऊपर डेसी है, तो 10 से गुना करें, तो 20 लीटर में 20 × 10 डेसी लीटर हो जाएगा, डेसी
लीटर, ठीक है। बीस दहिया कितना होता है 200 डेसी लीटर, ठीक बात। चलिए 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न। 15 कहता है एक रेलगाड़ी एक घंटा में 24 किलोमीटर जाए छै, तो एक मिनट में वह कितने मीटर जाएगा। तो मीटर में जवाब देना है तो दूरी को नहीं रखेंगे, चलिए निश्चित दे ले। तो रेलगाड़ी कहता है एक घंटा में चला जाता है 24 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक बात है। चूँकि इसीलिए अब पूछा एक मिनट में कितना मीटर जाते, तो मिनट में कह कितना, तो पहले तो दे डटवा मिनट में, तो एक घंटा में कई मिनट 60 मिनट, तो एक घंटा के बदला ही आ दूरी बतावे कर मीटर में, तो 24 किलोमीटर के बदला हम मीटर में कितना लिख सकली, 24 गुने हज़ार मतलब 24,000 मीटर होते कि ना। तो एक बराबर ई वैल्यू, एक बराबर ई वैल्यू लिख ली कह ला, क्योंकि हमारा एक मीटर में चाहे तो इतना में इतना जाता है। यदि एक मिनट में 24,000 मीटर जाता है तो एक मिनट में हम नहीं निकाल लेंगे 24,000 आ बटा 60, इतना मीटर की दूरी तय करेगा। एक सुन्ना से एक सुन्ना, छः चौक 24, दो गो दहेजुआ बच्चल है, 400 मीटर की दूरी तय करेगा। इस तरीका से आंसर हो गया। चल यह कहता कि सेकेंड में कितना मीटर, तो घंटा को सेकेंड में बदलते तब ना एक में फिर निकाल लेते। हाँ मिनट में कहा तो ये के बराबर ई वैल्यू है, एक बराबर ई वैल्यू है, तो ई बात के हम लिखे हुए हैं, तो जे में मिनट से बदले ला कहता है तो मिनट में बदलेंगे कि नहीं। चलिए 16 नंबर प्रश्न। 6 डेकाग्राम 9 ग्राम में कितने सेंटीग्राम है। देखिए 6 डेकाग्राम अमरी कह रहा है और जोड़े 9 ग्राम भी है, ठीक। कोई वस्तु तौले गए होती तो हो गए होती 6 डेकाग्राम और 9 ग्राम, आप कहे छी सेंटीग्राम में हमरा बताबो, सेंटीग्राम में वैल्यू। चलिए डेका, डेका होता कहाँ है, डेका हियाँ सेंटी में बदला, सेंटी ऊपर है तो कै ऊपर है डेका से, 1 2 3, हियाँ डेका है डेका से कै ऊपर, 1 2 3, तो डेका को सेंटी में बदलेंगे तो 3 ऊपर है, तो 3 1 पर 3 सुनना मतलब 1000 से गुना करा दिए। अब था डेका, बदल गया किस में, डेका वाला सेंटी में, तो इतना सेंटी ग्राम प्लस, अभी तो ये 6 डेका के खाली बदले हैं और 9 ग्राम को भी तो सेंटी में बदलना है, तो ग्राम हियाँ होता है आ सेंटी एकरा से कै ऊपर है, 2 1 2 ऊपर है, तो 2 ऊपर है, तो ग्राम वाला को सेंटीग्राम में कैसे बदलेंगे, 9 गुने 100। अब यह सेंटीग्राम में बदल गया, सेंटीग्राम में बदल गया, तो एन्ने हो गया 6000 सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, और उधर हो गया 900 सेंटीग्राम, तो टोटल मिल के हो गए 6900 सेंटीग्राम। कोई दिक्कत, कला दिक्कत होगा। चलिए यह कहता कि किलो में, तो सबको किलो में बदल के जोड़ लेते, जे में कहेगा सेम में ना बदल के जोड़िएगा। चलिए इस तरीक़े से 16 नंबर प्रश्न हो गया। 17 नंबर प्रश्न कहता है, 17 नंबर प्रश्न कहता है 9 ग्राम 6 डेसीग्राम 2 मिलीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। 9 ग्राम 6 डेसीग्राम और 2 मिलीग्राम, मान लो मिलीग्राम है, अब सबको बदल देना है मिलीग्राम में, ठीक। चलिए तो ग्राम को मिलीग्राम में बदले, ग्राम ही होता है ग्राम से मिली का ऊपर, 1 2 3, तो 9 में 1000 से गुना करा देंगे, ऊपर की तरफ बदलना है, तो ये हो जाएगा 9000 मिलीग्राम प्लस, तो अभी तो एक काम होगा। अब 6 डेकाग्राम है, डेका कहाँ होता है, डेका हियाँ है, ओकरा से मिली कितना ऊपर, 1 2 3 4 ऊपर, तो 6 में 1 पर 4 सुनना से गुना कराएंगे तो 6 पर 4 सुनना जाएगा, अभी बदल जाएगा डेकाग्राम से किस में, मिलीग्राम में प्लस, आ 2 मिलीग्राम है मिलिए में बदलना है, तो 2 मिलीग्राम रह जाएगा। चलिए अब इस सबको ऐड कर लेंगे, ये सब डाटा किस में बदल गया, मिलीग्राम में, तो 60,000 आ 9,000 69,000 आ 2 मिलीग्राम हो गया। इस तरीका से इतना मिलीग्राम सबको जोड़ लिए,
होशियार नहीं बनना है कि हमको आता है जोर, लिख लेना है 9000 लिख लिए, अब 60000 लिखेंगे तो 0000 06 और तब 2। देखिए इकाई को इकाइयों में ना जोड़ते हैं, दहाई को दहाई, सैकड़ा को सैकड़ा, हजार का हजार, 10000 को 10000 में। अब जोड़ लेना है इस तरीका से, ऐड हम लोग करते हैं, जल्दी में ना रहना है, जल्दी के काम शैतान के। चलिए अरे रे रे डेका न है रे बहेबा, किताबा कहा था देसी ग्राम, ज़्यादा शॉर्ट लिखिएगा तो डेसा डेके दोनों डीए से होता है ना, काम खराब हो जाएगा। यह अंग्रेजी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अंग्रेज बनने लगेगा। 9 ग्राम ठीक है, आइए कहा था देसी ग्राम, देसी ग्राम, आ एक कहा था मिली ग्राम, ठीक है मिली ग्राम। अब ग्राम को बदलेंगे मिलीग्राम में, सबको मिलीग्राम में बदलना था, मिलीग्राम में बदलना था ठीक है। तो देखिए 9 ग्राम तो ग्राम से मिली 1 2 3 ऊपर तो ये तो ठीक है मिलीग्राम में, आई देसी था तो ये देसी है तो देसी हिया ना है, देसी से 2 ऊपर हम डेका को कर दिए थे, देसी था किताब में दिले तो देसी हिया, देसी से कहाँ ऊपर 2 ऊपर, तो 1 पर 2 0 से गुना करेंगे तो 600 होता ठीक है, आई 2 मिलीग्राम तो रहबे करता। चलिए इस तरीके से आंसर कितना आता, 9602 ठीक है, सबके सबके सब बदल गया मिली ग्राम में ठीक। ऐड करने का नियम देख लीजिए, 9602 देखिए इकाई के सामने का ऐसे लिख के आ तब जोड़िएगा। चलिए तो ऐसे हो गया, इसलिए कभी कभी अंग्रेजी लिखने से धोखा हो जाता है ठीक है, धोखा से बचने के लिए यह भलाई है कि तनी अच्छा किताब ई लिखते रहेंगे हो, ये तो किताब में लिखा हुआ रहेगा, हमको डायरेक्ट जिसमें करा उसमें बदलेंगे, डायरेक्ट जिसमें करा उसमें बदले, जिसमें कहा उसमें सबको बदल लिया ऐड कर लेंगे, ये वाला बात किताबें से लिखना है, इसको उतारना उतारना नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन जब लिखा रहता है तो उस पर ना लिखा ले 9 ग्राम 6 डेसी ग्राम 2 मिलीग्राम बदलना है मिलीग्राम, तो ये तो ऑलरेडी किताब में लिखा ले, तो ये आपको लिखना नहीं है, जे में बदलना है डायरेक्ट उसमें हम बदले वाला डाटा लिखेंगे, ये लिखेंगे डायरेक्ट और फिर जोड़ लेंगे ठीक है। चले रे बहादुर आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न कहता है 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 1 डेकामीटर तथा 4 मीटर में कितने मीटर होंगे। 8 किलोमीटर हिंदी में लिखे भलाई है, चलिए 7 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 1 डेकामीटर 1 डेकामीटर ठीक है तथा 4 मीटर में, तथा 4 मीटर में, और सबका जवाब देना है मीटर में, किस में देना है मीटर में, बदल लेंगे इस किताब में लिखा हुआ ये हम लिखते नहीं रहेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बदलना है मीटर में, किलोमीटर है तो किलो से मीटर कितना ऊपर होता है, किलो से मीटर 1 2 3 ऊपर है तो 8 में 1000 से गुना कराए तो ये 8000, इतना किलोमीटर बराबर 8000 मीटर आ गया, प्लस ये हेक्टोमीटर है, बदलना सबको मीटर में, हेक्टो का है यहाँ, हेक्टो से मीटर ऊपर है कै ऊपर 1 2 ऊपर, तो 7 × 100 1 पर 2 0 से गुना कराएंगे ऊपर है ला, तो ये हो जाएगा 700 मीटर प्लस डेका, डेका का है यहाँ, डेका को मीटर में बदलना है तो 1 ऊपर है तो 1 × 10 कितना होता है 10, अभी बदल गया मीटर में प्लस, आई ऑलरेडी मीटर है तो लिखा जाएगा खुद 4 मीटर, आई सबको जोड़ लेना है 8714 सबको जोड़ दिए थे, इतना 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 में कितना मीटर होता है, ये होता है, इस तरीका से आंसर हो गया ठीक है। ज़्यादा तेज ना बनना है, 8000 लिखा ले तो आप 8000 लिखिए, 700 लिखा ले तो आप भी 700 लिखिए,
दस लिखल है तो आप भी दस लिखिए, चार लिखल है तो आप भी चार लिखिए। आप जोड़ लीजिए इकाई को इकाई में, दहाई वाला सबको दहाई में, सैकड़ा वाला को सैकड़ा में, हासिल आता तो आगे बढ़ाता, नियम आपको पता है, इसीलिए आ गया 8714। ऑप्शन हुआ सही ना बनाना रहता है, तनका जोड़ घटाओ गलती हो जाएगा तो गलती बन जाएगा। चले रे बउआ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कहता है 5 हेक्टोमीटर, 8 डेकामीटर तथा 4 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। हालांकि आप बदल सकते हैं फिर भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए 5 हेक्टोमीटर हिंदी में लिखवे देख लें ना, अंग्रेजी में लिख ली एकदम तो गलती हो गलक। हाँ 8 डेकामीटर, अब डेका के कहूँ डेसी पढ़ लेती तो काम खराब हो जाता। डेका मीटर तथा 4 मीटर, तथा 4 मीटर को बदलना है किलोमीटर में, किसमें बदलना है किलोमीटर में। अभी कौन ट्रैक्टर आ गया भाई, अच्छा माटी अब गिर रहा, कोई बात नहीं चलो। इतना किलोमीटर सबको बदलना किसमें रे भाई बा, किलोमीटर में, तो याद रह के चाहिए तोरा, याद तो अभी होता हूँ ना, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया क्विंटल टन, डेका हेक्टो किलो मीरिया क्विंटल टन, किलो मीरिया क्विंटल टन, मीरिया क्विंटल टन, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया, ऐसे चार चार को कम से कम याद रखना, क्विंटल टन तो सबके याद रहता है। चलिए अब सबको बदलना है किलोमीटर में। देखिए ये वाला बात किताब में लिखल है, आपको तो लिखना नहीं रहता है, चाहे जहाँ परीक्षा देने जाइएगा तो क्वेश्चन में लिखल रहता है, तो ये बात आपको लिखते नहीं रहना है, आपको खाली देखना है कि सबको बदलना किस में, किलोमीटर में। हो गया, हेक्टो को किलो में बदलना, हेक्टो है कहाँ हिया है आ किलो में बदलना है, तो तोरा के किलो तो नीचे की तरफ है एक, तो 5/10 ये बदल गया किस में, किलोमीटर में, किलो मीटर में बदल गया, 5 हेक्टो बदल गया किलोमीटर में, प्लस 8 डेका है, सबको तो किलोवे में बदलना है, डेका खोजो, डेका ही यहाँ, डेका से किलो अमरी दो नीचे है, यहाँ से एक दो नीचे है, तो अमरी 8 हमें कैसे भाग देंगे, नीचे है तो ऊपर वाला को नीचे के बराबर कराना रहता है, छोटका को बड़का के बराबर कराना रहता है, तो छोटका वाला में मान में 100 से भाग देते हैं कि नहीं, और 3 नीचे रहता है तो 1000 से, 4 नीचे रहता है तो 1/4 शून्य से, जय नीचे रहता है जैसे हिया 1 नीचे था तो 1/1 शून्य से भाग दिए, तो डेका से 2 नीचे है किलो तो 100 से भाग दिए, डेका बदल किस में गया किलो में, सब किलो में बदल जाएगा, देखिए ना प्लस था मतलब पल्स नहीं, मीटर है किलो में बदलना है, मीटर हिया मीटर से किलो कितना नीचे 1, 2, 3, तो 4 मीटर में कितना किलो होता है, 4 1/3 शून्य से भाग दे दिए, ये बदल गया किस में, 4 मीटर बराबर इतना किलो मीटर हो जाएगा। अब सब किलोमीटर है तो जोड़ ना लेबे, अब देखो ये जोड़ है तो कथी है, सिंपल भिन्न के जोड़ ना बनाबे आबे छ, एलसीएम ले ले ले, सब भिन्न हो गए तो कोई बड़ा बात हो गई, हो हमें भिन्न के जोड़ बन गए तो इसमें 10, 100, 1000 ऐसे रहे तो सबसे बड़का जो गुना वह एलसीएम हो जाए, 10 से भाग देवे तो 1 शून्य कट जती, तो 100 बचल होती, 100 के 5 से गुना करबी तो 500, 100 से में भाग देवे जब 2 शून्य कट जती, 10 बचल होती, 10 8 80, 1000 से 1000 में भाग देवे एक बार में कटते 4 1 4, इस तरीका से 580 4 84 584/1000, ई सब तो रहे कथी में किलो, सब किलोमीटर वाला को जोड़े तो किलो वे मीटर ना होते रिजल्ट बा, जोड़ला पर कथी में रिजल्ट होते किलो मीटरे में ना होते रिजल्ट। चलो तो ये देखो ये 5 8 4 तो लिखता है लेकिन 1/3 शून्य है तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव दे देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ ना डेसिमल वाला पढ़ाए हैं ताकि लंबाई द्रव्यमानधारिता में दिक्कत ना हो तनको भी जरा सा भी नहीं। चलिए चलिए रे बहादुर इतना हो गए कथी किलो मीटर, तनी सानी तेज रहते ना तो आपको ऊपर वाला लिखना ही नहीं था। आ देखिए 5/10 को हम लिखते हैं 0.5, 8/100 को हम लिखते हैं 0.08, 4/1000 को हम लिखते हैं 0.004,
और सबको जोड़ना था, बताइए ये वाला जोड़ना है आपका आता है 4 8 5 0, इतना करना पड़ा काट कूट देश दर्द दुनिया जहाँ। ना तो हमको ये लिखना है परीक्षा में और ना तो हमको ऐसा करना है, जब बट्टा में एक पर सुनना वाला दिख जाए तो उसको तो हम सिंपल ऐसे बना लेते हैं तेजी में, ठीक है कि नहीं। चलिए ना तो ऐसे बना देंगे तो रिजल्टवा तो उतने आते। चलिए आगे बढ़िए, खाली ध्यान रखना है कि ये सब को बदलना किस में है, ये वाली खाली ध्यान रखिएगा बात कि बदले के में है, बस बाकी आपको बदलना ऐबे करता है। आगे बढ़िए, चलिए ट्रैक्टर ये सब शोर कर रहा है, कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकना चाहिए डैश, ओकरा आगे जोन शब्द आपको जोड़ना है जोड़ सकते हैं, ठीक। धाकर न्यूज देखते हैं तो समझ गए होंगे। चलिए रे बहादुर, कह तक बता दिए थे 19 तक ना, चलो देखो 20 21 22 23 24 मॉडल एग्जांपल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको मैं चर्चा नहीं करूँगा, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये सब दूरी उरी बताने वाला है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मॉडल एग्जांपल में बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, नवोदय मैथमेटिक्स फोल्डर में, वहाँ पर लंबाई द्रव्यमानधारिता में पार्ट अभी 4 है ना, तो 3 में बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन 24 तक हो गया काम खत्म, 25 से देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले आपको जो जो हम छोड़े वो क्वेश्चन भी आपके सामने ला दिए हैं, अगर देखेंगे रेगुलर वीडियो तो उसको बनाकर भी देख सकते हैं, एकदम ईजी है, दूरी बताने वाला है। चलिए रे बहादुर, 25 नंबर प्रश्न कहता है, राजीव की माँ घर से स्कूल के लिए 8:30 बजे प्रातः प्रस्थान करती है, वह घर वापस 6:10 बजे संध्या लौटती है, तो बताए कि कुल कितने समय घर से बाहर रहती है। राजीव के माँ जो है स्कूल पढ़ावे उढ़ावे जाते होते, मास्टराइन है, तो 8:30 बजे प्रातः मतलब सुबह स्कूल के लिए जाए छै आ शाम में लौट के आवे छै 6:10 में, तो बताइए आप कि कितना समय तक वो घर से बाहर रहले लौट कर लेते, बताना है। चलिए 25 नंबर देखिए, 8:30 बजे प्रातः कोई घर से निकल जाएगा और लौटेगा 6:10 बजे संध्या में, संध्या का मतलब होता है शाम, है कि ना। चलिए तो बताइए, सुबह निकलेगा आदमी, ठीक। अब आपको घड़ी बनाते हैं, घड़ी आपको पता है हम लोग पहनते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 8 कहाँ बजल होते तो 6 7 8, ये ना, यहाँ रहते तो 8:30 हो जाए बीचों बीच, तो ये टाइम पर से निकल लाए आ यहाँ से चलते 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 1 2 3 बजल होते, 4 बजल होते, 5 बजल होते, तो 9 ले 6 बजले, तो 9 ले 6:10 मिनट होल होती तब अल, तो कितना घंटा घर से बाहर रहें, तो सोचिए ये 8:30 से चला, अगर 8:30 से लेके 6:30 में लौटती है, अब आपको हमको बताइए 8:30 से 9:30 एक घंटा, 9:30 से 10:30 एक घंटा, 10:30 से 11:30 एक घंटा, 11:30 से 12:30 एक घंटा, 12:30 से 1:30 एक घंटा होते जाएगा कि नहीं। तो देखिए उसी हिसाब से यहाँ आता 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा हो जाता, टोटल कई घंटा हो जाता, 10 घंटा हो जाता 6:30 तक में 10 घंटा, लेकिन कब, जब 8:30 से चल के 6:30 तक रहती है, 8:30 सुबह से चले चले शाम के 6:30 तक रहती तब ना, लेकिन 6:30 से पहले ये लौटल है, कई मिनट पहले लौटल रे, देख ले तो दोनों के बीच में अंतर देख, 6:30 और 6:10 के बीच अंतर देखो, कई मिनट पहले चला आया, तो 30 में से 10 घटा तो 20, ये तो 0 हो गया, मतलब 20 मिनट पहले लौट आया। देखिए हम कैसे जाने कि पहले लौट आया, तो 8:30 से 6:30 तक रहता तो टोटल समय 10 घंटा होता, तो अब 6:30 के जितना देर बाद आता तो प्लस करते,
ठीक है, लेकिन ये तो 6:30 से पहले ये 6:10 में लौटल, तो ये तो 20 मिनट पहले ये ना लौटल, तो पहले लौटल तो 20 मिनट में से घटा लेना है। देखिए 10 घंटा में से 20 मिनट घटाइए, मिनट में से मिनट ना घटाते तो 0-0 हासिल देते तो 60 हो जाते, 60 में से 20 घटल 40, एने 10 हासिल दिल रही तब 10 थोड़े बचल, तो 9 ना बचल हो, तो 9 घंटा 40 मिनट वो घर से बाहर। इसी तरीका से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। घर से निकल 8:30 में, वापस आ गए 6:10 में, तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए ये जो 5 बचल है तो 5:30 तक तो हो गए 9 घंटा, ठीक। ऐसे भी बना सकते हैं, तो 9 घंटा प्लस देखिए वो हम यहाँ तक 6:30 तक पूरा के घटाए थे, यदि कोई 5:30 तक रुक जाती क्योंकि 6:30 से पहले ही अलग तो कोई इतने रुक जाती तो 9 घंटा आ लेती है प्लस। अब 9 ये जो 5:30 अलग 5:30 अलग, लेकिन लौटल कितना में 6:10 में, तो ये 6:10 के बीच अंतर कितना के घटा, तो बड़का टाइम में से ना छोटका घटाते, चलिए तो 10 में से 30 नहीं घट पाया, ये हासिल लेगा तो एक को हासिल देते तो 60 के बराबर ना हासिल दे देते हो, चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये एक को हासिल दे ले तो 60 आ 10 पहले से तो मिल के हो जाते 70। अब 70 में से अब 30 तक घटते तो 40, आ हासिल दे ले तो 1 घंटा कम रहती तो 5 में से 5 गए 0, मतलब हमरा पता चल गए कि अच्छा 40 मिनट बाद, क्या हम तो इतने तक गिनले थे, इतना से इतना के बीच के अंतर 40 मिनट, तो इतना तक में 9 घंटा ले रहे हैं, यहाँ तक में 40 मिनट और, तो 9 घंटा में 40 मिनट जोड़बे तो 9 घंटा 40 मिनट हो गए कि ना, देखो तो यहाँ वह ना आए। तो यदि आप आगे तक जोड़ लिए तब अंतर यहाँ घटाए हैं, आ पहले ये रह गए इतना तो अंतर जोड़ दिए, ठीक है। इस तरीका से हम लोग बनाते हैं घर से रिलेटेड टाइम, पता चल गया कि राजीव के माँ घर से कितना देर बाहर रहती। उसी तरीका से एक प्रश्न आप लोग के लिए है, आप लोग पता कीजिए कि आप लोग सुबह घर से निकलते हैं और शाम स्कूल से घर वापस लौटते हैं तो आप कितने समय के लिए घर से बाहर रहते हैं, ये आप लोग अपना अपना समय निकाल के देखिए। चलिए 25 के बाद हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न से, ठीक है। 25 के बाद देखेंगे 26 नंबर प्रश्न से, ठीक है। कहता है 26 नंबर प्रश्न, एक रेलगाड़ी पटना से 19:10 बजे प्रस्थान करती है, 2 घंटे 30 मिनट के बाद मोकामा पहुंच गया, तो मोकामा कौन टाइम पर पहुंचल है। देखो रेलगाड़ी में बजल है 19:10, उतना बज रहा है 19:10 का मतलब समझ गए कि रात्रि के समय है ट्रेन में, क्योंकि वो तो 24 घंटे वाला ना घड़ी हो हो सब बतैल हती है, तो 19:10 में चल रही आ पहुँचा दिले जहाँ जाए के रहा 2 घंटा 30 मिनट बाद, 2 घंटा 30 मिनट बाद पहुँचा दिले तो कै बज गए होते, तो हो जाते 40 आई 19 आ 2 21, ठीक है, मतलब 21:40। ऑप्शन देखे गलिए तो एगो ऑप्शन में है 21:40 लिखल, तो ये ना हो गए हो, चलिए हो गया। कभी कभी ऑप्शन नहीं लिखल रहता 12 घंटा वाला में, तो एक चेंज कर लीजिए, बताइए 12 घंटा वाला घड़ी में कै बजल रहते, तो ये बताइए। हम लोग के घड़ी में 12 के बाद 1 बजता है तो रेल वाला में 13 बज जाता है, जब हम लोग में 2 बजता है तो रेल वाला घड़ी में 14 बज जाता है, तो 12 में से 14 घटाते 2 के अंतर, तो उसी तरीक़ा से 21 बजल है तो 12 में से 21 घटा के देखिए कितना होता है, 12 21 के बीच अंतर देखिए, तो हो जाएगा 9 दे 11 9, तो इसका मतलब है 9:40 हम लोग के समय बजलेगा घड़ी में। अभी बताइए अब 9:40 होते तो हम लोग के घड़ी में दिन में भी 9 बजे या रात में भी 9 बजे, तो हम यहाँ AM लिखूँ कि PM लिखूँ, तो देखो घड़ी में रेलगाड़ी में 21 के मतलब रात के ना समय हो, तो रात के समय तो PM होले कि ना, PM बोलूँ तो कथी अपराहन, अपराहन जानते हैं, वो ऑप्शन में एक ऑप्शन में 9:40 अपराहन दे ले रहेगा, अपराहन दे ले रहेगा, एक ऑप्शन में और में दे ले रहे तो 9:40 पूर्वाहन,
तो ये अपराहन पूर्वाहन का मतलब जान जाइए, अपराहन मतलब ए एम ना समझ जाइए, अपराहन का मतलब पी एम होता है, पूर्वाहन मतलब पी एम ना समझिए, ही ए एम होता है। बचपन में हम लोग प से देखते तो सोचते थे अच्छा प से पी से प हो तो पी एम है कि आ ए से अ हो तो ए एम है कि तो न उल्टा हो अपराहन के पी एम कहा जाए पूर्वाहन के ठीक है ना ए एम कहा जाता है ठीक है समझ गएंगे। पास्ट आफ्टर ये सब आप जानते हैं, पूर्व मतलब पहले वाला आए ये सब आप जानते हैं, अप मतलब बाद वाला, पूर्व मतलब पहले वाला। चलिए इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि 19:10 में कोई ट्रेन चलते तो 2:30 बाद ओकरा में ये बज गया थे ऑप्शन में ये देले था तो ठीक था, लेकिन कहीं हम लोग के घड़ी वाला टाइम रहता तो कौन टाइम होता 9:40 अपराहन होता है ठीक है। हाँ ये सब बात पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 26 के बाद हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न ठीक है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए, अब फिर गाना बजने लगा, क्या कहते कुछ भी हो जाएगा, काम नहीं रुकना चाहिए डैश ठीक है। चलो 27 नंबर प्रश्न देखिए, कहता एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को 7:10 प्रस्थान करता है, दिल्ली सोमवार के पहुँचता है 16:05। तो रेलगाड़ी दिल्ली पहुँचने में कुल कितना समय ले लई, रविवार के चल रही या सोमवार के पहुँच लई। यदि रविवार के 7:10 से चल के सोमवार के 7:10 लगा देती है ट्रेन वाला टाइम से तो 24 घंटा हो एक दिन में, लेकिन वहाँ से ज़्यादा समय लगा के पहुँचल कितना में 27 नंबर प्रश्न में 16:05 में। तो क्या करेंगे 24 प्लस 16:05 या 7:10 के बीच के अंतर को जोड़ देंगे ठीक है कि ना। चलिए थ्योरी बताए हुए हैं तब दिक्कत ज़्यादा होगा नहीं। रेलगाड़ी जो है ये रेलगाड़ी है जहाँ से जहाँ तक जाना था ठीक बात है तो चल दिया, अब जब गया तो वो देखा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे क्या। चलिए कोई बात ना है, देखिए एक हम तरीका लगा देते हैं, चलिए रे बहादुर देखिए। तो रेलगाड़ी जो है 27 नंबर प्रश्न देखिएगा तो पाइएगा क्या, 7:10 रविवार के चला, रविवार के 7:10 में चल दिया ठीक बात है, आ 7:10 ट्रेन में बजल रही जाहिर सी बात है कि सुबह के समय होते, रविवार के चला सोमवार के पहुंचा दिया, कितना बजे पहुंचा दिया ट्रेन में 16:05 में पहुंचा दिया ठीक बात है। अब हमको बताइए यदि रविवार के 7:10 से सोमवार के 7:10 तक गल रहती तो एक दिन हो जाती है, तो एक दिन में तो 24 घंटा ना होती हो, तो 24 घंटा प्लस कहला कि 7:10 के और ज़्यादा समय बाद पहुँचल, तो ज़्यादा पहुँचल तो 24 घंटा से भी ज़्यादा समय लगे, तो कितना ज़्यादा समय लगल है, तो दोनों का अंतर कर लेंगे, बड़का टाइम में से छोटका टाइम के घटा के देख लेंगे अंतर कितना का है। चलिए यह कहता रविवार से सोम ना मंगल तो 24 48 घंटा प्लस लिखते, लेकिन एक के दिन का अंतर है तो 24 घंटा प्लस, अच्छा 7:10 से पहले लता तो यहाँ माइनस लिखते, 7:10 के बाद पहुँचाया है ए ला प्लस लिखे है, तो कितना है दोनों के बीच अंतर देख लो, तो 5 मिनट में से 10 मिनट तो नहीं घटता है, तो हासिल मांगने जाएगा प्लस बगल वाला से, तो 16 घंटा एक हासिल देगा तो 60 के बराबर ना हो जाएगा, एक को हासिल देते तो 60 है 5 65 हो जाती मिल के, और 65 में से 10 घटती तो 55, अभी हासिल दे लेते तो 16 ना रही तो 15 रह, अब 15 में से 7 घटल तो 8, यह ना बस हो गए 8:55 बाद ठीक है, तो 24, 8, 4, 12 32 घंटा टोटल समय और 55 मिनट प्लस में। चलिए इतना समय बाद क्या होगा रेलगाड़ी पहुंचाता है, इस तरीका से 27 का आंसर हो गया ठीक है, 32 घंटा 55 मिनट ठीक। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर प्रश्न, एक वायुयान दिल्ली से 6:10 प्रस्थान कल वह कोलकाता 8:20 में पहुँचा दिल, वह दिन पहुँचल, ये में दिन उनके बात न कर रहा है,
तो बायन कलकत्ता पहुंचने में कुल कितना समय लेता है? तो इतना कुछ ना करना था, इतना बड़का टाइम में से छोटका टाइम को घटा लेना था, तो घटाना है तो दम सिंपल है। 6:10 में चल रही, 8:20 में पहुँचल है, तो दोनों घटा लेते तो उतने समय न ले लेते। तो 20 में से 10 घट लेते 10, 8 में से 6 घट लेते 2, मतलब ये कितना समय हो 2 घंटा 10 मिनट। जो ऑप्शन में हो तो आंसर हो गल, 2 घंटा 10 मिनट का समय लिया पहुँचाने में। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 29 नंबर कहता है, संजीव की बहन घर से ऑफिस गल 8:30 पूर्वाहन, मतलब सुबह के समय है, आ घर वापस अल शाम में 6:20 बजे, तो वह कितना समय तक घर से बाहर रहें? तो ऐसा ये बता रहे बउआ, 8:30 बजे कोई आदमी चल रहते एम में और घर लौट के अल 6:20 PM में, तो सोच लो 8:30 से लेके और पहले 5:30 तक का समय तुम निकाल लो, कितना घंटा होता है? तो 8 + 4 = 12, 12 बजे तक 4 घंटा और फिर इन्ने 5 बजे तक 5 घंटा, तो 8:30 से लेके 5:30 तक हो जाते 5 + 4 = 9 घंटा, कितना घंटा? 9 घंटा का समय हो जाएगा, ठीक है? तो 9 घंटा का समय हुआ, ठीक है? कुछ भी हो जाए साला काम नहीं रुकना चाहिए, इतना से इतना समय के बीच में 9 घंटा का समय हो गया। अभी आप देखो तो 5:30 तक मैंने 9 घंटा हो गए आ 6:20 होले तो हो बउआ, तनि बताबा हमरा एकरा से कितना ज़्यादा है ये टाइम? तो दोनों के बीच का अंतर कर लो, 6:20 - 5:30 के बीच अंतर कर लेंगे, ठीक है? देखिए 20 में से 30 नहीं घटेगा, तो पड़ोसिया से हाँस लेगा तो ये तो 60 दे देगा, तो 60 और 20 मिल के 80 हो जाता, तो 80 में से 30 घटते तो हो जाते 50, आई हासिल दे ले तो एक हासिल दे लेते 5 बचल, तो 5 में से 5 = 0, मतलब 50 मिनट आ गए। तो 5:30 से 6:20 तक आवत आवत 50 मिनट और बढ़ गए, तो 9 घंटा तो होल रही, 50 मिनट और आ गए, 50 मिनट और आ गए, तो एक मतलब हो जाते 9 घंटा 50 मिनट वो कहाँ रहा घर से बाहर रहा, ठीक है? इस तरीका से इसको बना देते हैं। एक विधि और देखिए, अब हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड 8:30 से लेके हम 6:20 कहता है, तो हम एक और 6:30 में पहुंचा देते हैं ताकि एक एक घंटा गिनने में आसानी हो। तो 8 से 12 तक 4 घंटा, फिर 12 से 6 तक 6 घंटा, तो 6 + 4 = 10 घंटा आती है उस हिसाब से। लेकिन देखो 6:30 में करती तब ना 10 घंटा, अभी तो 6:20 में पहुंचा दिले, तो कई मिनट पहले पहुंचा दिया, तो 6:30 से 6:20 10 मिनट पहले, इसमें से 10 मिनट घटा लेंगे, तो 10 घंटा में से 10 मिनट घटा लेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए ये हासिल देगा तो 60 हो जाएगा, 60 में से ये 10 घंटा तो 50, आई हासिल दिले तब तो 9 घंटा न रह गए, तो देखो 9 घंटा 50 मिनट तैयार आ जाते कि ना? यदि आगे चल जाएंगे तो समय में से उतना समय घटा के लाएंगे, आ तनी पीछे है आ बाद में जाना है तो जितना अतिरिक्त समय ज़्यादा ले रहा है वो जोड़ के लाए, हो गया आंसर, हो गया 9 घंटा 50 मिनट घर से बाहर रहे, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, ठीक है? 30 नंबर प्रश्न कहता क्या है रे बहादुर, देखिए कहता है, गुरमीत ने कार द्वारा 108 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय कल, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखिए पहले तो कार की चाल निकाल लीजिए, कहता है 108 किलोमीटर 2 घंटा में जाए, 108 किलोमीटर 2 घंटा में जाए, तो दूर चाल हो दूरी बटा समय ना हो, तो काट देव तो आ जाते 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल। लेकिन हमको आया आंसर इतना किताब के हिसाब से, आ बताना हमको आंसर कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में बताइए, ए में तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले ला कितना से गुना करते हैं? 5/18 से। चलिए तो 18 + 54 तो 5 + 15 मीटर प्रति सेकेंड, इस तरीका से आंसर। आ न तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको बदलना है मीटर सेकंड में, तो 54 किलोमीटर में कितना मीटर? 54 × 1000, तो मीटर में आ गई, चला 1 घंटा सेकंड में, अब टाइम को सेकंड में रखना है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। देखो 2 0 अब तो सेकंड में बदल गई, 1 घंटा इतना, चलिए तो 36 2 0 से 2 0
दो से पाँच, दो से अठारह, अठारह से तीन बार में तो फिर पानती है 15 मीटर प्रति सेकेंड ना गल। इहे से जानकारी अगर हम भूल जाए कि कितना से गुना करो तो बस डेल से लिख ले आ जथी में कही तो मीटरे में कहल सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया क्विंटल टन कितना ना किलो मेगा जीगा टेरापीटा एक्सा मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो बहुत सारा यूनिट्स है लेकिन ये तो पार्टिकल में होता है किलो मेगा जीगा टेरापीटा एक्सा बड़ा से बड़ा और मिली माइक्रो नैनो छोटा से छोटा होता है पिको फेमटो एटो तो हमको उसमें तो जाना नहीं है। हमको तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया क्विंटल टन इतने में रहना है तो इतने में रहना है तो जे में कहलेगा से में ना बदल लीजिएगा आ टाइम के कोई जरूरी है कि सेकेंडे में कहते टाइम के मिनट में ना कह सकले बदले ला तो कहाँ कितने बदलना है सब आपको जानकारी है बदल लीजिए काट कुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आ ये है स्पेशल नियम कि कहते किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18 से गुना क्यों देखिए 54 को 54 रहने दिए जान से आ पहले इसको काट कुट किए थे तो देखिए 5/18 भेटा कि नहीं तो इतना से बचने के लिए ना आदमी कहता है यादें रखो 5/18 ऐसा कोई नियम ना याद रखने के लिए कहता है कि आपको दिखे तुरंत बना दीजिए कितना तुरंत बन गया आ ना तो ये देखिए तो इतना लाना पड़ता फिर मीटर वोटर सोचना पड़ता तो उसे बचने के लिए नियम बनाया तो याद तो ठीक है ना तो मिली सेंटी हम क्यों सिखा रहे लंबाई द्रोमांधर तक क्यों सिखा रहे प्रोसेस भी बना दीजिएगा। चलिए रे बहादुर आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर इधर देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी चेन्नई से रविवार को 7:10 बजे प्रस्थान करती है वह दिल्ली जो है सोमवार के पहुँच लगी 16:05 बजे तो रेलगाड़ी दिल्ली पहुँचने में कितना समय लेता है। अब सोचिए कोई रेलगाड़ी है जो रविवार के चल रही कितना बजे 7:10 में आ सोमवार के तोरा पहुँचल सोमवार मतलब रविवार के जस्ट बाद एक दिन बाद सोमवार हो सोमवार के पहुँचाया 16:05 में। चलिए तो ये बताइए रविवार के 7:10 से लेके आ सोमवार के 7:10 तक अगर रेलवे समय ले लेती टोटल एक दिन तो कै घंटा हो 24 घंटा। अब यहाँ जोड़ लिखू कि घटाओ लिखू कथी लिखू तो हम देखबे 7:10 से यदि यहाँ पहले पहुँचती अगला दिन तो घटाओ लेती लेकिन 7:10 के बाद ना पहुँचल 16 हो तो एला प्लस लेब तो कितना बाद पहुँचल तो दोनों के बीच अंतर देख दोनों के बीच अंतर देख 5 मिनट में से 10 मिनट न घटे तो ही ना कि हासिल लेने से लिए एक कहू 15 हो गए 5 में से 0 घटल 0 10 में से घटल 9 ऐसे न करे के है मिनट में से मिनट घटे घंटा में से घंटा घटे तो 5 मिनट रहल या 10 मिनट घटाबे के न घटल अपना हासिल गए मांगे तो घंटा वाला एको हासिल देते तो एक 60 के बराबर न हो जाते हो हाँ तो 60 हो गए या 5 पहले से तो मिल के हो जाते 60 5 65 तो देखो 65 में से 10 तो अब घट जती तो 55 आई चूंकि हासिल दिल है एक तो खुदे 15 घंटा बचल होते तो 15 में से 7 गए तो 8 7 15 इहे ना समय 7:10 के बाद जो है 16:05 तक होमें 8 घंटा 55 मिनट और ज़्यादा समय ले लें तो 7:10 से 7:10 अगर ये रविवार से सोमवार तक 24 घंटा आ ओहो से ज़्यादा समय लिया इतना तो वह समय में जोड़ देवे तो न हो जाते 8 4 32 घंटा 55 मिनट। कोई दिक्कत कोई के दिक्कत हो तो बोली है कहला दिक्कत हो तो इतना सीखलू वह दिन ला दिखते ला आए। चलिए 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न इतने देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कहता एक रेलगाड़ी चेन्नई से चल रही रविवार के इतना 8:10 में आ सोमवार के पहुँचा दिल 17:05 में रे सेमे हो कि ना तनी सानी चेंजिंग हो ठीक। चलिए इहो रेलगाड़ी रविवार के चल लो कितना रविवार को चला 8:10 में ठीक और पहुंचा दिया सोमवार को कितना 17:05 तो ये बता रवि से सोम तक जती है तो 24 घंटा थी होती है कि ना कब जब 8:10 से चल के 8:10 में अगला दिन पहुंचती तब तो अब 24 में प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ कि लिखूँ तो अगर 8:10 से पहले पहुँचा दिल रहती तो माइनस लेती लेकिन इतना 8:10 के और बाद पहुँचल 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो बाद ना हो गए रेलवे में टाइम तो बाद और ज़्यादा समय ले लिया अगला दिन तो कितना ज़्यादा ले लेते दोनों के बीच अंतर देख कितना के हो तो बड़का टाइम में से छोटका टाइम के घटा के देख ले अंतर
रे भाई बा, 5 मिनट में से 10 मिनट न घटती तो पड़ोसिया से हासिल लेती तो समझ गए वही तो 60 के बराबर हासिल दै छे। 5 एकरा पास पहले से तो 65 हो गए, 65 में से 10 घटल तो 55 हो गए। अब बता ये कितना हो, अभी 16 रहल तो हासिल दिले एक तेईस तो 17 न रह के अब 16 रह गए, 16 में से 8 घटती तो 8 55 तो पहले से था 24 घंटा 8 10 से 8 10 सोमवार तक, आई दोनों के बीच में इतना घंटा और ज़्यादा ले लिया था तो यह ना ऐड कर देना है 8 घंटा तो 8 4 12 फिर आ गलो 32 घंटा 55 मिनट। आंसरवा सेम अलो लेकिन बनावे के तरीका अलग रहो। अगला क्वेश्चन चल आगे बढ़ रहे भाई, 33 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 33 नंबर कहता है एक रेलगाड़ी श्रीनगर से कितना बजे 9:20 बजे प्रातः चलती है, जम्मू कश्मीर को 7:25 बजे शाम में ही पहुंचती है, तो यात्रा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। वह दिन पहुंच गए, सुबह में चल रही शाम में पहुंच गए। चलिए रेलगाड़ी हो ना, ठीक बात। अब रेलगाड़ी 9:20 प्रातः में चल रही आए आ शाम में पहुंच गया, 33 नंबर प्रश्न में देखिए शाम में पहुंच गया 7:25 बजे शाम में पहुंच गया, तो बताइए सुबह में चलेगा शाम में पहुंच गया कितना घंटा। देखिए हमें वो ट्रिक आपको बताते हैं, आप मान के चलिए कि 9:20 से कोई चलता सुबह में चलेगा और 9:20 यदि शाम बज जाता तो वहाँ से वहाँ तक का घंटा आता 12 घंटा हो जाता, हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक। तो 12 घंटा होता कब, जब 9:20 सुबह से चलता शाम के 9:20 हो जाती तो 12 घंटा हो। अब देखिए ये 9:20 से और बाद में पहुँचती है जितना समय तो इसमें प्लस करती है, लेकिन देखिए तो 9:20 से 9:20 बत्तीस सुबह से शाम तब ना 12 घंटा, ये तो 7:25 में पहुँचा दिले, मतलब पहले ये पहुँचा दिले 12 घंटा से पहले ये, तो कितना पहले पहुँचल तो दोनों का अंतर कह के देख लो, ये दोनों का अंतर कह के देख लो, ठीक है। तो देखते हैं तो 20 में से 25 तो घटा नहीं, तो ये पड़ोसिया से हासिल लेगा तो ये 20 पहले से हासिल एक को देगा तो ये 60 मिनट के बराबर हासिल दे देते एक घंटा हो, तो 20 है या 60, तो 20 और 60 मिलकर तो 80 हो जाती, 80 में से 25 घटा भी कितना होता है 55, अरे 10 में से 5 गले 5 आई 7 हो गए तो 7 में से 2 गले तो 5। अब कहिएगा सर हियाँ तो आप 60 नहीं कर रहे थे बउआ, मिनट में से मिनट सिंपल तरीके से घटे, हाँ अभी हासिल दे रहे 9 न रह के अब 8 हो गए, 8 में से 7 तो 1 घंटा 55 मिनट पहले ये पहुँचा दिले, तो 12 घंटा कब होता समय, जब 9:20 से चल के 9:20 शाम करता तब ना, तो 1 घंटा 55 मिनट पहले ये पहुंचा दिया, तो 12 घंटा में से घटा ना लीजिएगा 1 घंटा 55 मिनट, देखो मिनट में से मिनटे ना घटे चाहिए, घंटा में से घंटे ना घटते, तो घटा लेना है। चलिए तो 0:0 में से 55 न घटते तो पड़ोसिया से हासिल मांगते तो 1 हासिल दे देते, 0:0 है आ 60 हो गए मिनट तो हासिल तो 60 में से 55 घटल तो 5 मिनट, अब ये 12 न रहल अब तो 11 न हो गए हो, एक को हासिल दिले पड़ोसिया के तो 11 में से 1 कटल तो 10। अब एक ट्रिक और देखिए हमार, ये तो हुआ इतना झमेल, अब देखिए सीधा खेल होगा, 9:20 से चलेगा प्रातः से, ठीक। अब 7:25 है ना, तो 7:25 ना देखिए आप 7:20 देखिए प्रातः तक कितना समय होता, प्रातः बोला गया शाम तक, ठीक है। तो सुबह 9:20 से 12:00 बजते तो 3 घंटा प्लस आ फिर 12 से 7:00 बजते तो 7 घंटा, तो 7 और 3 10 घंटा, तो ये होले 10 घंटा प्लस। अब देखिए ये 7:20 के बाद ये 5 मिनट और ज़्यादा समय ले लें कि ना, तो 5 मिनट और में जोड़ दीजिए, तो इस तरीका से 5 मिनट ज़्यादा समय ले लें, हाँ यहाँ गलती लिखा गया, देखिए 10:05 ले तो 10 घंटा एक मिनट कह 5 मिनट, ठीक है। चलिए अभी गलती बता के बढ़ जाते आगे, यहाँ घटाए ठीक है, घटाए तो 10:05 के मतलब 5 मिनट न हो 55 लिखा गया, चलो तो हियाँ देखिए उस तरीका से बताए,
तैयो 10 घंटा 5 मिनट हो गया। ठीक है बउआ, इस तरीका से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगता है, कोई कोई बच्चा तो हद कर देता है, 9:20 से लिखते हो 10:20, तब लिखते हो 11:20, तो लिखते हो 12:20, तो लिखते हो 1:20, फिर 2:20, 3:20, 4:20, 5:20, 6:20, आ गिनता हूँ कि यहाँ से यहाँ 1 घंटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आ 6:20 से फिर लिखते हो 7:20, तो कहते 10 घंटा, आ कहते कि 20, आ 5 मिनट और ज़्यादा लगा दिले तो 5 मिनट और ऐड कर लेते, तो कहते 10 घंटा 5 मिनट, मिनट को मिनट में ना जोड़ते। तो कोई कोई ऐसे लिखे लगता है तो ऐसे भी लिख, आ कोई कोई हद कर देता हूँ, घड़ी बना देता हूँ तब लगत गिने को, ऐसे गिने में तो समय लगी तनी, तनी एकरा एकरा लिखे वाला से तनी ज़्यादा तेज रही है। वो देख तो अच्छा 9:20 चल रही, तो 9 कहाँ बजे, मतलब हिया है घड़ियाबा ना, आ लिख लेते कि 9:20 में चल रही। अब पहुँचल शाम में 7:25, तो हिया तो 6 रह, शाम 7:25, तो मतलब हिया 7:25 में पहुँचा। अब गिने लग तो हिया से ऐसे कि हिया रहती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लिख ले तो 10 घंटा। अब प्लस लिखू कि माइनस, तो देखते कि एकरा से पहले पहुँचा था तो माइनस लिखता, ई रेखा के बाद पहुँचल तो प्लस लिखा, तो कितना मतलब 20 से 25 कल हो तो 25, तो 5 ज़्यादा ना मिनट, तो प्लस 5 मिनट, तो देखो 10 घंटा 5 मिनट आंसर अलग कि घड़ी लिख के ऐसे ऐसे करके बना लेते। आ कोई कोई सिर्फ फिर ऐसे लिखता है, आ कोई कोई हमरा जैसा सिर्फ फिर ऐसे करता है, न तो अभी जी बताए थे नियम बा ऐसे करते दो टाइम। देखे कई तरीका है बनाने का, बहुत माध्यम, ठीक है जैसे सुविधा लगता है वैसे बना दीजिए। समय है तो गिन के बताना है, कुछ करना है हमें, आगे बढ़िए। चलिए 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है, एक विद्यार्थी रात में 9:30 बजे सोने के लिए गई आ सुबह 4:15 में उठ गया, तो विद्यार्थी कितना देर तक सुन ले। अब सोचा है रात्रि के समय में कोई गए 9:30 बजे सूते, आए एकदम सुबह सुबह उठ गया, कितना बजे उठ गया रे, 4:15 में, तो पूछ रहा कि कितना देर तक सोया, टोटल समय आपसे पूछ रहा है, तो बताइए 9:30 से लेके आ 4:30 तक यदि सुतल रह जाता तो 9 आ 3 12 घंटा, 9 आ 3 तो 3 घंटा, तब ना 12 बज जती, तो 12 बजे तक 3 घंटा, अब 9 आ फिर 12 से 4 तक 4 घंटा, तो ये हो जाती 4 3 7 घंटा, कब जब 9:30 से 4:30 तक सुतल रह जती तब, ठीक। लेकिन ये 30 मिनट से पहले उठ गया कि 30 मिनट के बाद उठा, तो 15 मिनट तो 30 से पहले ना हो छे हो, तो कितना मिनट पहले उठ गया, तो देखिए यहाँ 15 मिनट है, 30 मिनट का अंतर है 15 मिनट के, 15 मिनट पहले जग गया वो, ठीक। तो 7 घंटा टोटल तो नहीं सोता, वो तो सोता 7 घंटा से 15 मिनट पहले ये उठ गया, तो हमें से हटा लेना है 15 मिनट, ठीक। तो ये हासिल देगा तो 60 में से 15 घटेगा तो 10 में से 5 घटा 5 आ 5 में से 1 घटा 4 45 हासिल दे दिल रहते, तो 6 बच गए 6 में से 0 गए, मतलब सोता कितना 6 घंटा और 45 मिनट हो गया आंसर। 7 घंटा कब सुता, जब 9:30 बजे सुते गए आ 4:30 बजे तक सुतले रह जती तब, लेकिन तो 15 मिनट पहले ही उठ गया, तो 7 घंटा में से 15 मिनट हटा लेना था, आ यह 15 मिनट बाद तक सुतल रह जती, तो 7 घंटा में 15 मिनट जोड़ लेती, तो कहती 7 घंटा 15 मिनट, लेकिन पहले यह है तो 7 घंटा में से आपको 15 हटाने नहीं आता है मिनट, 15 मिनट हटा लेवे तो ये ना होते, ऐसे बनाते हैं। चलिए चिन्ह काट काट के बनाते नहीं रहना। 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न कहता है, सोहन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 7 बजे प्रातः पहुंचता है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो आधा घंटा पहले स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल से उस स्थान की निश्चित दूरी क्या है।
आप हमको बताइए, सोहनवा के जो चाल हो, दू गो चाल दिल है, ठीक है, एगो दिल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो चाल दिला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आधा घंटा पहले स्कूल पहुंच जाता है, ठीक। अब बता रहे थे कि 7 बजे चल रहे, तो हमारा टाइम से भी वाला कोई मतलब है ना, आधा घंटा पहले पहुंचा, चाल इतना हो जाता है तो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि 4 ई वाला टाइम पर सेम टाइम पर पहुंचता है, यदि 5 की स्पीड से जाता है तो आधा घंटा पहले ये पहुंच जाए थे। तो उस स्कूल से उस स्थान की दूरी क्या, घर से स्कूल तक की दूरी पूछ रहा है। तो ये चाल है, ठीक। तो एक समय उल्टा होता है कि नहीं, दूरी यदि सेम हो जाए, देखिए हियाँ रहते घर आ हियाँ रहते स्कूल, तो धीरे धीरे चल के जाओ तब, चाहे दौड़ते हुए जाओ तब, चाहे साइकिल से जाओ तब, चाहे मोटरसाइकिल कुछ से जाओ, घर से लेके स्कूल तक की दूरी हमेशा सेम रहते कि ना। तो दूरी सेम रहता है तो क्या होता है, ये 4 एकड़ अनुपात जो होता है ना, ये उलट जाता है, तो 5:4 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे पलट जाता है, ठीक। चलिए तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो ये हो जाएगा 5×20 आ ये हो जाएगा 5×20, देख सकते हैं। चलिए तो दूरी का एक यूनिट हमको ही पता रहेगा, अब देखिएगा तो इतना रेशियो के हिसाब से है। चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे कि डी निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल की समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से और गुने ये जब 20 लाए दूरी उससे गुना करा देंगे, तो इस तरीका से हमको आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रोसेस भी बनाएंगे और शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, चलिए पहले प्रोसेस से बनाकर देखते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर ये तो कहने की बात है, चलिए हमको उस पर जाना नहीं, हमको ये क्या पता है बचपन से, दूरी बराबर चाल गुने समय। एक बात और, यहाँ घर है यहाँ स्कूल है, चलिए मान लेते हैं घर है स्कूल है, तो घर से लेकर मान लीजिए स्कूल का ऐसे ऐसे जाएगा तो दूरी डी, ठीक, हर बार सेम रहेगा किसी भी स्पीड से जाए, ठीक। दूरी बराबर चाल गुने समय, तब डी मान लिए। अब मान लीजिए पहला चाल से प्रथम चाल उसका है, चाल जो है कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो कहता है इस टाइम से जाता है तो टाइम पर पहुंचता है, कै बजे 7 बजे, कै बजे 7 बजे पहुंच जाता है। यदि स्कूल 7 बजे पहुंचा, मान लो कि 7 बजे पहुंचा, तो ये टाइम को मान लो कि टी बज रहा है, निश्चित टाइम कै बजे पहुंच सकता है, तो टी मान लिए तब चाल हो गया इतना आ समय जो है टी मान लिए हम, समय कितना मान लिए टी, ठीक, घंटा में माने हैं इसको टी घंटा, ठीक है। तो बताइए इस स्थिति से दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुने समय, तो दूरी बराबर ई चाल गुने समय दूरी को क्या माने हैं डी, तो डी बराबर 4t, ठीक है, पहला से आ गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरका चाल से, दूसरी चाल से, दूसरी चाल से देखिए, अब दूसरी चाल से चलिएगा तो इसका चाल क्या है, दूसरका चाल कितना है इसका, देखिए कह रहा है 5 किलोमीटर से जाता है स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो कहता है आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो समय कितना लगाया, अगर पहुंचने में यदि टी घंटा लगाता था तो हमारी आधा घंटा कम ही लगा दिए, ठीक, मान लीजिए कि लगा दिया कम, आधा घंटा कम लगा दिया, तो टाइम में से आधा घंटा हम क्या किए, घटा लिए, टी में से आधा घंटा घटा लिए, ठीक बात है। तो ये आधा हो गया, चलिए टी में से आधा घटा दिए,
अब तब दूरी कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी हो जाएगा चाल गुने समय, तो चाल हो गया पाँच और समय हो गया टी माइनस वन बाई टू, टोटल इतना घंटा, ठीक है। चलिए तो ये दूरी पाँच गुने इतना, अब हम बताइए तो दूरी को तो डी माने हैं, तो यहाँ भी तो दूरी तो बदलने वाला है ना, डी रहेगा और ये हो जाएगा फाइव टी माइनस एक बाई पाँच को भी पाँच से गुना कराएंगे तो पाँच बाई दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ डी जो है, यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट मान के चलिएगा पहला चाल को, तो डी का मान एक जगह कहता है फोर्टी, तो जहाँ डी दिख रहा है वहाँ अगर फोर्टी हम रख देते हैं, इस समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है, तो हमको एक वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आएगा देखिए, ई डी के जगह हम अब रख देंगे फोर्टी, तो यह जगह फोर्टी बराबर फाइव टी माइनस फाइव बाई टू। अब देखिए ई ई प्लस में है उन्ने जाएगा माइनस में, आई माइनस में इन्ने प्लस आएगा, तो फाइव बाई टू बराबर फाइव टी माइनस फोर्टी, तो घट जाएगा तो टी बराबर कितना आया पाँच बट्टा दो। अब हमको टी का मान पाँच बाई दो मिल गया, ठीक है, जाहिर सी बात है घंटे में मिला होगा। चलिए अब आपको हमको बताइए, अब जो टी के जो मान आया है ना फाइव बाई टू, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तैयो दूरी पता चल जाएगा, या समीकरण सेकेंड में भी रख देंगे तैयो हमको दूरी पता चल जाएगा। दूरी बराबर डी बराबर फोर्टी लेके चलिए तैयो ठीक, आ डी बराबर फाइव इंटू टी माइनस वन बाई टू लेके चलिए तैयो ठीक, तो हम फोर्टी लेके चलते हैं, डी बराबर फोर्टी, तो देखिए डी बराबर फोर्टी, तो फोर तो फोर रहेगा गुने टी, टी के मान अभी कितना है पाँच बाई दो, तो यहाँ काट देंगे तो दो बार में पाँच दूना दस किलोमीटर हो गया आंसर, मतलब घर से लेकर स्कूल तक की दूरी कितना दस किलोमीटर, इस तरीक़े से बनाते हैं। आ न तो जब घर से अप डाउन कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि इस रफ्तार से जाता आता है, एगो इस रफ्तार से जाता आता है, दूरी सेम होता है तो चाल पलट जाता है तो समय को हो गया, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो इसको गुना करा दिए तो हमको आ गया इस समय का जो डिफरेंस है, ये दोनों चाल का बीच समय का जो डिफरेंस वहाँ पर आया था आधा घंटा का आया था, यह आधा किए थे, तो समय की तुलना समय से, तो समय का अंतर, ये समय का अंतर कितना है, यहाँ समय का अंतर कितना है, ठीक से देखिए एक का अंतर है, तो समय का अंतर समय से गुने हमको दूरी निकालना है, दूरी होता क्या है रे बहादुर, चाल गुने समय, तो इस अनुसार से हम किए थे, तो पाँचों का बीस आया था बीस, तो डी बराबर इसी निकाले। समय का अंतर हमको कहा था एगो सात बजे जाता है अलग चाल से जाता है तो आधा घंटा वो पहले पहुँचता है, तो ये दोनों जो चाल के बीच जब हम टाइम निकाले टाइम का रेशियो ही, तो उस रियल वाला टाइम के बीच में अंतर आधा घंटा का, आधा घंटा बोले तो एक बाई दो घंटा आता है, तो समय के अंतर की तुलना, तो हिया समय का अंतर कितना का है, दोनों के बीच का अंतर एक का है, तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से आ गुने दूरी निकालना है, तो दूरी होता है चाल गुने समय ना, तो चाल गुने समय करा दी, तो देखिए तो एक बाई दो को एक से भाग दीजिएगा तो एक बाई दो ये रहेगा आई बीस, तो कट के कहीं आ गया दस, इस तरीका से रे बउआ दस हो जाता है, ठीक है, इस तरीका से बनाते हैं, तो ऐसे बना दीजिए रेशियो से तैयो ठीक, और रेशियो ना प्रोसेस से तो की कीजिए, घर से लेकर हुआ तक की दूरी डी मान लीजिए, दूरी बराबर सब लोग जानते हैं कि चाल गुने समय होता है, तो पहले जाए छे चार के स्पीड से मान लो टी समय में गया, तो उस हिसाब से दूरी बराबर होता है फोर्टी, और दूरी तो डी माना है तो डी बराबर फोर्टी पहला समीकरण, और दूसरका चाल पाँच से गई तो आधा घंटा पहले ही पहुँच गए, तो लगे के चाहिए टी घंटा, तो अमरी लगते टी माइनस आधा घंटा, तो ये दूरी चाल आई समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो, दूरी तो हर बार डी रहते ना, तो डी बराबर चाल गुने समय। आप की कहिए पहला डी के मान जो अल पहला में, ठीक है यहाँ पुट कर ली, तो उस हिसाब से टी के हमारा वैल्यू निकल गए,
ये वाला वैल्यू ए में पुट कर दिए सेकेंड इक्वेशन में, तो हमको टी का मान पता चल गया। जब टी का मान पता चल गई तो ई टी के मान ए में रख दे तैयो आंसर आ जाते, चार गुने पाँच बाई दू कल तैयो आ गए, आ न तो डी बराबर ई न अल है समीकरण, तो यहो में टी के मान रख दे तैयो हमारा का आंसर होते दस। तो आपको रेशियो से ठीक लग रहा है तो रेशियो से बना दीजिए, आ प्रोसेस से ठीक लग रहा है तो प्रोसेस से बना दीजिए, ठीक है। चलिए एकदा और अथी देख लेते हैं। देखिए कहाँ था चाल, पहले तो कहा घर से लेके यहाँ तक उसको दूरी है, ये घर है और ये स्कूल है, हमने दूरी डी मान लिया। चलिए अब देखिए चाल, अब तो हर बारी सेम रहता है बदलना है ना, तो चाल कह रहा है एकदम चार पाँच से जाता है, तो समय यदि दूरी सेम हो तो समय चाल का अपोजिट हो जाता है, ठीक। आप कहा कि एकदा जाता है सात बजे पहुंचता है, आ एकदा जाता है तो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है, तो समय के बीच का अंतर आधा घंटा बता रहा है, यहाँ समय के बीच का अंतर कितना है एक। अब हमको निकलना है घर से लेकर होगा तक के दूरी, तो रियल में समय का अंतर है आधा घंटा और यहाँ समय का अंतर है रेशियो में एक, तो समय का अंतर समय से गुणे दूरी। अब इन्ने वाला के चाल गुने समय कीजिए, चाहे इन्ने वाला के चाल गुने समय करिए, बीस आएगा, ठीक। दूरी होता है चाल गुने समय, गुना करा दिए तो एक से भाग दिए तो एक बाई दूए रह गया, और गुने बेस काट देंगे तो इस तरीके से हमको कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो ये आसान है बात, ऐसे भी बना सकते हैं और न तो प्रोसेस बताए थे उस तरह से बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चलती है, यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट लग गए, तो देहरादून कै बजे बस पहुँचल। अब बताइए बस चला 10:15, ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है ना, 36 नंबर प्रश्न में कहता है बसवा चला 10:15 बजे प्रातः चला और पहुँचने में लगा दिया 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट तो कै बजे बस पहुँचल है यह तो बताना। चलिए इसको ऐड कर लीजिए तो 10 आ 6 16 आ 30 आ 45, इतना घंटा इतना मिनट। अब बताइए 16 बज चुका है तो 16 को कितना कहते हैं, 12 आ 4 16 कहते हैं, तो 4:45 बजे पहुँचा कि ना, लेकिन सुबह था आ इतना घंटा बाद कथी हो जाते शाम, हो गए आंसर, ठीक है। इस तरीका से बना देते हैं, यहाँ 60 से ज़्यादा रहती तो हासिल एक दे के इन्हें बढ़ा देती है, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में एक घंटा आता है, आ कम रह गए तो यह हो गए। चलो 16 बजे का मतलब की हो, हमर सबके घर में 4 ना बजल तैयो। आगे बढ़ते हैं 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न कहता है एक सिनेमा 3:15 बजे अपराहन आरंभ हुआ शाम में, ठीक है, 3:15 अपराहन का मतलब होता है शाम, अपराहन का मतलब होता है शाम, तो अपराहन में स्टार्ट हो लाई 2 घंटा 45 मिनट चल रही, 2 घंटा 45 मिनट चला तो चल रही, तो अब कहे तो कौन समय समाप्त हो जोड़ के देख लो कै बजल होते, ये जोड़बे 5 5 10 4 1 5 1 6 3 2 5 5:60 हो, 60 मिनट के मतलब एक और बढ़ा देते तो ये बजते 6:00 बजे। चलिए 60 मिनट में एक घंटा ना हो, तब तो 6 बजे समाप्त हो गए, कहानी खत्म, शामे में न समाप्त होते, अपराहन है 2 घंटा बाद 6 बजे तो ये अपराहने न रहते हो। चलिए तो 6 बजे अपराहन जो ऑप्शन में है सही कर लो। चलो 37 के बाद देखेंगे 38 नंबर प्रश्न से। 38 नंबर कहता है राम का स्कूल 7:40 पूर्वाहन में लगता है और 6 घंटा 30 मिनट तक चलता है, तो स्कूल किस समय बंद होता है। अब बताइए 7:40 पूर्वाहन सुबह के समय स्कूल क्या हुआ चला और कई घंटा तक चलते रह गया स्कूल, 38 नंबर प्रश्न है, 6 घंटा 30 मिनट तक चलते रह गया,
तो कै बज जाएगा, 4 3 7 आई हो जाएगा 7 6 13। अब बताइए 70 मिनट आ गए, तो 70 मिनट तो 60 मिनट में 1 घंटा हो तो इन्ने दे देती तो 13 से ही तो 14 हो जाता है। आ 60 मिनट दे देते बचल कितना 10 मिनट, मतलब 14 बज के 10 हो जाएगा। तो टम 14 बजता है उस समय के कथी कहता है अपराहन कहता है, पूर्वाहन से अपराहन हो गए। आ हमर सके घर में कै बजल होते, 14 के मतलब हो 12 के बाद 1 हो 13 आ 2 हो 14, तो 12 से 2 जा दे तो 2 बजे 2 बज के 10 इतना कथी होते हमर सके घर में, इतना अपराहन, इतना अपराहन। ठीक है चलिए इस तरीका से बना देते हैं 38 नंबर। आ ट्रेन में बजल होती 14 10, हमर सके घर में बजल होते 2 10। ठीक है लेकिन देख ली आओ 2 10 पूर्वाहन न अपराहन हो गए। अब 39 नंबर देखना है। 39 नंबर प्रश्न कहता है 6 घंटा 30 मिनट 40 सेकेंड और 5 घंटा 40 मिनट 30 सेकेंड का योग क्या होगा। ये तो जोड़ना है 39 नंबर 6 घंटा 30 मिनट 40 सेकेंड में जोड़ना है 5 घंटा 40 मिनट 30 सेकेंड। ये घंटा है, ये मिनट वाला है, ये सेकेंड वाला है भाग। ठीक इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए तो ये 4 3 7 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, ये 6 5 11 हो गया। अब देखिए ये 60 है, ठीक है सो अगर 60 रहता तो 1 बढ़ा देता, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है ना, तो ये बढ़ा देता तो इन्ने तो 10 बज चलता लेकिन ये हो जाता 71 हो जाता। ठीक है 70 सेकेंड तो 60 सेकेंड में 1 मिनट हो, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट तो मिनट की तरफ 60 के लिए तो 1 के बराबर ना हो, तो 70 से ही हो जाते 71, तो इन्ने बचल होते अभी 10 ठीक सेकेंड बचल होते। चलिए अब देखिएगा ये तो 10 सेकेंड है, अब हम देखते हैं इहो तो 60 मिनट में 1 घंटा हो, तो 60 मिनट इन्ने दे देती तो 1 घंटा के बराबर तो इन्ने तो 12 हो जाता है, तो 71 में से 60 हटा के देख इन्ने बचल कितना रहते 11 बचल होते 11 मिनट। देखिए ये होगा समय 12 घंटा 11 मिनट 10 सेकेंड। ठीक कोई ऑप्शन में है वह हो जाएगा। ठीक है हमको जोड़ने पर क्या आया ई वाला मान आया। अब आपको 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ये सब पता है पहला हुआ। चलिए योग भी जान गए। 40 नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कहता है चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है रे भाई बा, अनामिका स्कूल से घर 6:30 प्रातः प्रस्थान करती है और 45 मिनट बाद अपने स्कूल पहुंचती है, वह किस समय स्कूल पहुंचती है बताइए। 6:30 प्रातः सुबह के समय अनामिका घर से चल दिले आ ठीक 45 मिनट बाद जो है स्कूल पहुंच गए, तो जोड़ के देखो कै बजे पहुँचल, तो हो जाती 5 4 3 7 6 75 6 75 तो हम लोग में बता नहीं है, तो 60 मिनट ला 1 घंटा इन्ने बढ़ा देती तो इन्ने 7 बज जाते, तो एमें से 60 घटा के देखो कितना बचल इन्ने 15 मिनट बचल है, मतलब 7:15 बजे पहुँचते स्कूल। ठीक अभी प्रातः है तो प्रातः ही ना रहता है हो, इस बात ध्यान दियो। 41 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे, 41 कहता है राम जो है 15 तारीख 6 महीना 2006 को 7:40 बजे अपराहन घर से चला और 16 तारीख 6 महीना 2006 को 7:30 बजे पूर्वाहन अपने ननिहाल पहुंचा, तो उसे यात्रा में कुल कितने, देखिए जे दिन चला ओकरा अगला दिन पहुंचा कितना दूर नाली घर ओकर रहे रे, आ 7 बजे अपराहन चल या 7:30 बजे 7:40 अपराहन चला आ 7:30 बजे पूर्वाहन ननिहाल पहुँचा, सोचिए
12 घंटा से तनके कम समय लिया है, तो कितना समय लिया यह तो बताना है। अब देखिए 15 तारीख छठा महीना 2006 को कोई व्यक्ति चल देते कहीं जाओ 7:40 बजे अपराहन के पूर्वाहन देखा था पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब हो ची सुबह के समय, ये सुबह के समय है 7:40 में चला। अगला दिन 16 तारीख वह महीनवा है 2006 है, मतलब एक दिन बाद अगला दिन कै बजे पहुंचा 7:30 पहुंचा, लेकिन 7:30 कब पहुंचा, पूर्वाहन पहुंचा। अच्छा 41 नंबर प्रश्न में कह रहा था कि ऊपर वाला 7:40 अपराहन में चल रहा है, अपराहन अपराहन बोलू तो पीएम, आ पहुंचा पूर्वाहन 7:30 पूर्वाहन, पूर्वाहन बोलू तो एम। अब कोई सोचिए रात में चल रही 7:40 में आ कल सुबह पहुंच गए 7:30, तो सोचिए 7:40 से लेके 7:40 तक रात से लेके सुबह तक अगर उतना चलते रह जाता तो हो जाता 12 घंटा। अब 40 के बाद अगर मिनट के बाद पहुंचता तो प्लस, लेकिन 40 मिनट से पहले ये 30 मिनट पर पहुंच गया ला माइनस, तो कितना मिनट पहले 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो घटा लेना है कि नहीं 10 मिनट घट 0 10 घटा लेना है। चलिए 12 घंटा में से 10 मिनट घटाइए, 10 मिनट कैसे घटाते हैं, चलिए घटाना हो नहीं आता है, चलिए घटाओ 0 में से 9 घटते यहाँ से लेते 60 में से 10 गले 50 यहाँ से ले तब तो 11 बचले, मतलब 11 घंटा 50 मिनट इसका आंसर हो गया। और सोचिए ना 7:40 लेके अगला दिन शाम में चल लेते अगला दिन सुबह ये में 7:40 पहुँच जाते तो 12 घंटा हो जाता, लेकिन 10 मिनट पहले ये पहुँच गया तो 12 घंटा में से 10 मिनट हटा लेबे तो 11 घंटा 55 मिनट होगा कि नहीं होगा। चलिए 41 भी हो गया। अब 42 नंबर प्रश्न, अब 10 और बचेगा एक बार। 42 नंबर प्रश्न देखिए कहता है एक बस ए स्थान से शाम में चल रही 5:15 पर आ बी पर अगले दिन पहुँच रही सुबह के समय में 10:40 बजे, तब बस को यात्रा करने में कितना समय लगा। अब सोचा हो कोई बस बा 5:15 में चलता है, कब शाम में चलता है, आ नेक्स्ट डे अगला दिन कितना बजे पहुंचा दिलो रे 10:40 बजे सुबह पहुंचाया, 10:40 बजे सुबह पहुंचा सुबह। तो हमको ये आप बताइए 5:15 से लेके यदि अगला दिन ये 5:15 शाम से लेके आकर अगला दिन 5:15 यदि सुबह पहुंचाता सुबह तो होता 12 घंटा जोर, लेकिन ये 5 घंटा के बाद ये तब 10:40 में पहुँचल है तो और ज़्यादा समय बाद पहुँचल है तो प्लस। अब कितना ज़्यादा पहुँचल है तो 10:40 में से 5:15 घटा के देख लो, घटा के देख लो वह ना पता चलते कि एकरा से कितना ज़्यादा समय है। तो देखिए ये संभव था घटाना तब, आ कहीं कह देता 2:15 तो ये ना कि दोनों के घटाने लगते, समझा कि नहीं, सुबह से सुबह के टाइम में तो घट रहा है, 24 घंटा वाला घड़ी तो है नहीं तो 12 घंटा वाला घड़ी है, क्योंकि 10 फिर रात का तो फिर रात तक पहले जाते निकट जाते। देखिए यहाँ शाम दम हम 5:15 सुबह से शाम से सुबह तक हम 12 घंटा दम इसके निकट जा चुके हैं, और 5:15 सुबह के समय है यहाँ है, अब 10:40 भी सुबह के समय है, तब हम अंतर कर रहे हैं कि दोनों के बीच अंतर किए, इन कि सुबह रहते शाम कहते एक बीच अंतर कर लिया हुआ कहीं उतना घंटा नहीं, ओकरा बीच में डिफरेंस ज़्यादा कह देते दुनिये सुबहिये के समय एला अंतर पता कर रही थी कब कितना है कितना ज़्यादा देर लगा दिले 12 घंटा से, तो एक बीच में अंतर कर लिए तो 40 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 25 और 10 में से 5 घंटा 5 इतना समय बाद तो 5:25 और ज़्यादा समय लगा दिया, तो पहले से 12 घंटा था 12 5 17
घंटा 25 मिनट का समय वो लगाएगा, हो गया आंसर 17 घंटा 25 मिनट। चलिए 43 नंबर प्रश्न से देखिए। 43 नंबर प्रश्न कहता है, मैं रोज रात्रि 9:30 बजे सोता हूँ और सुबह के 6:30 बजे उठता हूँ, बताइए कि मैं कितनी देर तक सोता हूँ। तो बहुत बढ़िया है टाइम, 9:30 बजे PM में सुतते जाके रात में, आ 6:30 बजे AM में कोई उठ जाते, तो कै घंटा तक सुत, तो 9:30 से 12:30 तक में 9 और 3 = 12 तीन घंटा, आ प्लस फिर 12 से लेकर 6:30 तक में 6 घंटा, तो 6 और 3 मिल के 9 घंटा हो जाते कि ना, 9 घंटा तक सुत, 9:30 से रात में सुते 6:30 में उठते, तो 9 से 12 तीन घंटा और फिर 12 से 6 6 घंटा, तो 6 और 3 9 घंटा सुता कि नहीं सुता, क्योंकि सेम मिनट था, तो ऐसा वाला तो और इजी है। चलिए 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न कहता है, एक बस पटना से सीतामढ़ी के लिए 7:20 बजे पूर्वाहन चल रही, प्रस्थान मतलब चला, और उसे सीतामढ़ी पहुंचने में 8:40 लग ले, तो कै बजे पहुंचल होते। अब सोचो 7:20 AM में चलाओ, ठीक, एकरा हिंदी में कथी कहते हैं, पूर्वाहन चला, आ समय लगा दिया कितना घंटा, 8:40, 8:40, तो सोचिए 7:20 है, एकरा 8 घंटा बाद कै बत्ती पहले ये पता करूँ, तो देखिए 5 घंटा बाद तो 12 बजे लते, आ 3 घंटा और करेंगे तब ना 8 घंटा, मतलब 3:20 होगा, 7:20 से लेकर 3:20 होता तो 8 घंटा ख़त्म हो गया लता, 8 घंटा हो जाता, लेकिन इस समय लगा दिया 8 घंटा कै मिनट, 40 मिनट, तो देखिए पहुंचने में लगा दिया 8 घंटा 40 मिनट का समय लगा दिया रे भाई बा, तो 8 घंटा ख़त्म और 40 मिनट और जोड़ दो, तो ये 40 मिनट और जोड़ दोगे टाइम में तो हो जाएगा 3:60, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो बज कै गए सीधे 4 बज जाएगा, अब बजेगा देखिए सुबह में चल रही आई शाम हो गए, तो पूर्वाहन से अब समय कथे में बदल जाते, अपराहन में, ठीक है 4 बजे अपराहन बोलूँ तो संध्या बोलिए, ठीक हो गया। एक बात और देख लो, टाइम जोड़े के नियम देखो, 7:20 है, उसी दिन एक दिन में समय पहुंचने में कितना ले रहा है ये बताए, 7:20 में चल रहा है आप, पहुंचने का समय कितना ले रहा है 44 में देखिए तो 8:40, तो इसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए तो ये 24 घंटा वाला घड़ी में आ जाएगा आंसर, और उसको फिर अपना 12 घंटा में ना बदल लीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 8 और 7 कितना बच जाएगा 15 हो जाएगा, तो यही बताइए ये 60 मिनट में 1 घंटा होता है कि नहीं, तो एक और बढ़ा देगा तो ये बच जाएगा 16:00, तो 16 बजे को हम लोग को 12 भाग में जो बाँटल रहता है उस घड़ी में कै बजेगा जल्दी बताइए, तो देखिए ये 12 ही होता है, 12 के बाद 1, 2, 3, 4 बजता है तब ना 16 बजता है, यहाँ 13, 14, 15, 16 होता है, तो 16 बजे वाला को हम लोग के घड़ी में क्या कहेंगे 4 कहेंगे, तो 4 बजे संध्या मतलब अपराहन, ठीक है 16 बजे का मतलब हो चुकी शाम हो चुका है। चलिए इस तरीका से तो डायरेक्ट एक दिन के अंतराल पर इस तरीका का कहता है, तो आप डायरेक्ट खाली से का टाइम जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 24 घंटा वाला टाइम में, और 24 घंटा वाला टाइम को आपको 12 घंटा में बदलने का नियम सिखाई हो उस हिसाब से ही हो गया आंसर, आ न तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के पहुँचते रहिए जोड़ते रहिए, थोड़ा समय लग जाएगा बनाने के कोई मेथड होता। चलिए 44 के बाद 45 नंबर यहाँ देखिए, 45 कहता है, राकेश का बड़ा भाई भागलपुर से अपने गांव गया, उसे रेलगाड़ी से 6:30 और बस से चल रही था 3:45, बताओ कि उसे गांव पहुंचने में टोटल समय कितना लगा, ट्रेन से 6:30 के सफ़र कर लई आ बस से 3:45 और सफ़र कर लिया, तो कितना समय लगा वो घर से लेके गांव तक पहुंचने में, जोड़ लेना है तो हो जाएगा 75,
एने 9 तो देखो ये 75 मिनट तो में 60 मिनट में तो एक घंटा हो तो एक घंटा एने बढ़ जती तो हो जती 10 तो 60 में से हटा दो तो बचल कितना एने 15 मतलब 10 घंटा 15 मिनट का समय लग गया उसको घर जाने में 10 घंटा 15 मिनट का समय लग गया। ठीक है कुछ करना था इसमें। चलिए अब 46 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। 46 नंबर कहता है सोहन 5 घंटे 15 मिनट स्कूल में 2 घंटा 40 मिनट घर में और 2 घंटा 30 मिनट एक शिक्षक के यहाँ पढ़ता है, बताओ मोहनमा सोहनमा जो है नाम गलती लिख दिया है। अगर सोहन कहता है तो सब जगह सोहने कहना चाहिए, मोहन कहता है तो सब जगह मोहने कहना चाहिए। वो कितना प्रतिदिन पढ़ाई करे छे? ठीक है चलो स्कूल में वो 5 घंटा 15 मिनट पढ़े छे, जब घर पर आवे छे तो 2 घंटा 40 मिनट पढ़े छे। आ एगो ट्यूशन करे छे वो बउआ किसी शिक्षक के यहाँ, हुआ 2 घंटा 30 मिनट पढ़ता है वो 2 घंटा 30 मिनट। तो टोटल दिन भर में कितना पढ़ ले तो देखो ये 5 आई 4 3 7 आई 1 8 आई 5 2 7 आ 2 9 घंटा 85 मिनट। तो ये 60 मिनट में तो 1 घंटा हो तो इन्हें 60 दे देवो तो ये तो हो जाती 10 घंटा। आबे में से 60 मिनट हटा दो क्योंकि 1 घंटा उन्हें दे दिला हुआ तो ये हो जाती 25। इसका मतलब है कि वो पढ़ता है 10 घंटा 25 मिनट रोज डेली पढ़े छे कम से कम सब मिला के। ठीक है 10 घंटा 25 मिनट हो गए। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए कहता एक हवाई जहाज कोलकाता से 7:10 बजे उड़ल और वह दिल्ली 1:00 बजे पहुँच गए, वह दिन पहुँच गए। वाह वायुयान को दिल्ली में पहुँचने में कितना समय लगे तो अरे 9:20 में कोई पहुँच जाता है आ चल रही शुरू शुरू में 7:10 में तो घटा लेबे तो ना पता चल जाते कितना घंटा समय ले। याद रखना एकदम सुबह के समय में पहुंच गया तो डायरेक्ट घटाएं, कौन 9:20 में चल लती है 7:10 में शाम में पहुँच लती तो ऐसा ना कि खाली घटा के आंसर लिखती ना, तब तो हुआ तक जा में 12 घंटा के घटना घटल लती पहले और ओकरा बाद जो अंतर आए लती यदि कम रहती तो में घटती या ज़्यादा हो गई लती तो जोड़ती 12 घंटा में पता है ना दू दू दा बजे छे। दिन भर में तो 24 घंटा हो छे आ दिन भर में दू दू दा 7 बजे छे, एक दा सुबह एक दा शाम, पता है ना आपको ये सब। लेकिन सुबहिये में चल रही 7:10 में आ सुबहिये में पहुँच गई 9:20 में तो ते छोटा सा अंतराल है सुबहिये के टाइम में, एला डायरेक्ट घटा के जो आंसर आता है लिख देते हैं। सुबह शाम पर ध्यान दिया आ न तो पता चलती है कि सुबह में चल रही आ शाम में 9:20 में पहुँच रही तो ये तो 12 घंटा से भी कुछ घंटा ज़्यादा समय ले लिया। सुबह में 7:10 में चलते या कोई रात में पहुँचते 9:20 में तो 12 घंटा से भी ज़्यादा समय ले लिया कुछ, समझ रहा है कि नहीं। लेकिन सुबहिया में चला और सुबहिया में 9:20 में पहुँचा दिया तो तुरंत पहुँचा दिया तो एला डायरेक्ट घटा के आंसर लिखते हैं, इन्हें कि सुबह शाम रहती है घटा के आंसर लिख देव तो गलतिए हो जाते। दोनों सुबह के शाम है चाहे दोनों शाम के समय रहते तो डायरेक्ट घटा के आंसर लिखते हैं, तो दोनों सुबह के समय 7 बजे चल रहे हैं 9 बजे पहुँच गए तो घटा भाई समझ गए होंगे आप। चलिए 20 में से 10 घटले 10 और 9 में से 7 घटले 2 2 घंटा 10 मिनट का समय लगा दिया। ठीक है हाँ आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48। कहता गीता गीता का स्कूल गर्मी की छुट्टी में 60 दिनों के लिए 12 मई 2006 से बंद हुआ, स्कूल किस तारीख को खुलेगा? बहुत बढ़िया। देखिए स्कूल की छुट्टी हो गया किस डेट को छुट्टी हुआ रे भाई बा 12 मई और 2006 है। ठीक आप देख ले भाई 2006 लीप ईयर तो ना है तो 4 से भाग दे के देखो अंतिम में 2 अंक 4 से ना कट ले इसका मतलब लीप ईयर ना है, लीप ईयर नहीं है मतलब कि फरवरी 28 दिन का होगा। चलिए इससे तो वाकिफ हो गए लेकिन गर्मी के छुट्टी मिले ये तारीख के तो कहला कि छुट्टी कई दिन के होलै 60 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। कई दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया 60 दिन के, तो बताइए स्कूल कब खुलेगा? स्कूल कब खुला? स्कूल खुलने का डेट बताइए।
तो 12 मई से बंद हुआ, तो गिनिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। देखिए मई आया ना इकतीसा, मई आया इकतीसा क्योंकि उड्ढा पर आता है तो इकतीसा होता है, ठीक है। और मई के बाद जून होगा तीसा, और जुलाई होगा इकतीसा, और फिर अगस्त होगा इकतीसा, ये बात आपको पता है। तो 60 दिन ला बंद होले स्कूल, 12 मई को बंद किया गया, तो कब कौन डेट के खुलेगा स्कूल ये बताना है। तो सोचिए पहले तो मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, ठीक है। चलिए ये काफ़ी यहीं आता, 60 दिन ला बंदे होले। चलिए देखिए आप बताइए, 12 मई को बंद हुआ तो 13 मई होगा तो एक दिन, 14 मई होगा तो दो दिन, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मई में टोटल दिन कितना होता है, 31 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई उड्ढा पर आया तो उड्ढा पर आया तो 31, और मई के बाद होता है जून, जून होता है 30, और जुलाई 31। ये हम डेट पहले क्लियर कर लिए। आप देखिए कई कई दिन हो टोटल दिन हम पता कर लिए, 12 मई को बंद हुआ आई में हो 31 तारीख, 31 गो दिन हो, तो 31 में से 12 हटा लेबी तो पता चल जाते कि मई में कितना दिन बीतते। तो घटा के देखो, 31 में से 12 घटाओगे तो 19 हो जाएगा। देखिए 11 में से 2 घटा तो 9, आ 2 में से घटा 1, 19 दिन, 19 दिन इन्ने ख़त्म हो गया। आ देखिए आज जून में पूरा छुट्टी होती तो 30 दिन इन्ने ख़त्म हो जाएगा, तो ये मिल के कितना दिन हो गए रे बउआ, 30 आ 19 मिल के हो गए छुट्टी। अब ख़त्म हियाँ तक आवे में कई दिन हो गए, 49 दिन, 30 आ 19 मिल के 49 दिन ख़त्म। तो छुट्टी मिलल रहे 60 दिन के आ 49 दिन ख़त्म, तो अगलो महीना में कितना तारीख तक छुट्टी रहते है? देखिए तो 60 आ 49 के बीच अंतर देख, 60 आ 49 के बीच अंतर देखिए, तो ये हो जाएगा 11। इसका मतलब है कि ई वाला जुलाई में 11 दिन और बिताना होगा कि नहीं, तो स्कूल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि 60 दिन पूर जाते तो ये ना हो गई। स्कूल कब खुला, 11 जुलाई को, कब खुला, 11 जुलाई, 60 दिन पूर गए ना वो दिन, तो स्कूल खुल गए 11 जुलाई। आ साल तो वह रहते 2006 रहते, हो गए ऐसे ही जाना था। चलिए अब 49 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है रे बउआ, कहता कृष्ण ने एक स्कूल में 10 जून 2006 को एक दान किया और 19 दिन काम किया, तो कृष्ण ने किस तारीख को स्कूल छोड़ा। 10 जून को गया कोई काम करने, 2006 को गया था, और 19 दिन तक काम करते रह गए, तो इसमें 19 जोड़ दो कहिया छोड़ा पता चल जाएगा, तो इसमें जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 29 जून को छोड़ दिया होगा 2006 ईस्वी में। अरे 10 जून के काम शुरू कर ले 19 दिन तक कर ले, तो उसमें जोड़ देवे तो कई जून होते, 29 जून, आ 29 तो हमें होता है जून में, 29 हो छी कि ना रे, हो छी। चलिए आ कहे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, आ जून में तो हो छी 30 दिन, यदि 30 के बाद यहाँ 31 आ जाती जोड़े पर तो की होती है, जून के बाद जुलाई हो जाती, एक दिन जुलाई, एक जुलाई हो जाती, ये सब जानकारी है ना। हाँ इस उद्धा के माध्यम से जान जाएंगे कि कौन कौन महीना में कई दिन होता है कि ना है। चलिए 49 तक ख़त्म, अब दो और बचल, एगो 50 है एगो 51। चलिए 50 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है भागलपुर से सुपर फास्ट ट्रेन 8:10 बजे सुबह खुल रही, और दूसरे दिन मतलब अगला दिन सुबहिये में नहीं, सुबह नहीं शाम में पहुँचल, गलती बोला गया, अपराहन मतलब कथी हो रे शाम में, कोई ट्रेन शाम में खुल रही अगला दिन सुबह में पहुँचा दिल, तो बताए भागलपुर से कोलकाता जाने में कितना समय लगल। देखिए 8:10 बजे कोई शाम में ट्रेन खुलल होते, अपराहन का मतलब क्या होता है, शाम का समय,
तो इतना बजे खुला अगला दिन कितना बजे पहुंचा दिया? 5:30 बजे पहुंचा दिया। कब? पूर्वाहन। पूर्वाहन बोले तो सुबह में। पूर्वाहन उसी को ना कहते हैं, पूर्वाहन किसको कहते हैं? सुबह के समय को। तो सोचिए 8:10 से 8:10 शाम से सुबह पहुंचती तो लगा देता 12 घंटा। तब 12 घंटा होता कब? जब इतने से इतने पहुंचाता तब। लेकिन ये तो पहुँचाया 5:30 पहले, ये पहुंचा दिया, तो कितना घंटा पहले पहुँचाया में से घटा देंगे। तो ये दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, ये टाइम के बीच अंतर देखिए। 10 में से 9 घटेगा, हासिल लगा तो 70 में से ही घटेगा, 30 तो 40, ये हासिल दिया तो 7, 7 में से 5 घटा तो 2। 2 घंटा 40 मिनट पहले यह पहुंचा दिया, तो 12 में से 2 घंटा 40 मिनट ना हटा लीजिएगा, घटा लीजिए। 12:00 में से 2 घंटा 40 मिनट हटा लेगा तो ये हासिल लगा तो 60 हो जाएगा, 60 में से 40 गया 20, 11 हो गया 11 में से 2 गया 9, मतलब कितना समय लिया? 9 घंटा 20 मिनट का समय लिया। हो गया आंसर, इस तरीका से बना देते हैं। अब लास्ट प्रश्न है 51 नंबर, जो कि हम लोग यहाँ देख लेंगे और ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? कितना भल चल हो, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना? एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साय 5:30 बजे चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुँचा, तो बस अमृत पहुँचने में कितना समय लग ले? तो सोचा हो वह दिन शाम में गले, अगला दिन सुबह में पहुँचल, आज शाम में खुलता या सुबह में पहुँचा देता, तो 12 घंटा तो समय होता ही, सुबह से शाम के भी, शाम से सुबह के भी समय 12 घंटा कहता है। लेकिन वहाँ में देखे के पड़े छे कि 12 घंटा से ज़्यादा के समय ले ले, ले कि 12 घंटा से कम के समय ले ले। जे समय से चल रही वो समय के बाद पहुँचल तो 12 घंटा से ज़्यादा समय लिया, आ जे टाइम से चल रही उससे पहले ये सुबह में पहुँचा दिले तो कम समय लिया। तो समझ रहे कहाँ जोड़ेंगे कहाँ घटाएंगे सिखाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये बताइए शाम में चल रही 5:30 पर और अगला दिन सुबह में पहुंचा दिया, सुबह में पहुंचा दिया, कितना बजे पहुंचाया? 7:36। तो हमको ये बताइए 5:30 शाम से अगला सुबह 5:30 तक तो 12 घंटा हो जाती है, 12 घंटा प्लस क्यों? क्योंकि ये 7 बजे पहुँचल, मतलब 5 बजे के बाद पहुँचल ये ला प्लस, तो ये दोनों के बीच में जो अंतर होता है वे 12 घंटा में जोड़ देते तो आंसर ना हो जाते। कितना समय ले ले? चलो 7:36 में से 5:30 के घटाब तो देखो ये घट जाता है 6 मिनट एने आता है, आने 7 में से 5 घटते 2, 2 घंटा 6 मिनट ज़्यादा समय लिया, 2 घंटा 6 मिनट जोड़ दो तो 12 + 2 = 14 घंटा कै मिनट? 6 मिनट हो गया आंसर। कुछ करना था, सब मॉडल एग्जाम्पल से लेकर अभी तक सिखाइए रहे तो वह पर आधारित है। इस तरीका से आपका आज का सेवा समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल का शेयर। आज से रोज एगो चैप्टर खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आए, प्रलय आए, गाना बजे, शादी हो, ब्याह हो, काम रुकना नहीं चाहिए डस, ठीक है? चलिए रे बहादुर, सेवा इतना पर समाप्त करते हैं दोस्तों।